मैंने का करंट अफेयर्स ये सेशन होना था सैटरडे <coughs> को बट नहीं हो पाया किसी कारणवश कुछ टेक्निकल इशूज़ थे इंटरनेट इशू था नहीं हो पाया बट मैंने आपसे बोला था कि सेशन अगर है तो कैंसिल नहीं होगा ठीक है दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए अगर सेशन अगर एक बार हो गया शेड्यूल तो वो होकर रहेगा थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं चलती हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सेशन आपका होकर रहेगा उसमें कोई भी दो राय नहीं है ठीक है ना ही होगी ठीक है क्लियर भाई लोग चले फिर शुरू किया जाए चलो भाई शुरू करते हैं ओके okay. तो ये जो सेशन है आपका याद रखेंगे बढ़िया तो ये सेशन जो आपका शुरू हो रहा है जो काम ने पूरा झकड़ रखा है ऐसा कर रखा है जैसे लग रहा है चलिए शेयर सेशन को शेयर कर दें सब लोग जफटाक से और याद रखिएगा ये वीडियो का आपका ये जो अभी मदर्स डे की सेल चल रही है इसका आखिरी दिन है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को ये आखिरी दिन है और इसके दिन यहाँ पे आप लोगों को जो प्राइस जो है बहुत ड्रॉप हुए हैं मतलब परसेंटेज ड्रॉप हुई है ऊपर से सब्सक्रिप्शन भी तीन महीने का आपका मिल रहा है इसको यहाँ पे आप टेस्ट का पास वगैरह मॉक टेस्ट सब कुछ आपको इकट्ठा मिलेगा तो आज जाइए आज जाइए और आज जाके इसको ज्वाइन करिए और तैयारी को शुरू करिए ठीक है शुरू करने का टाइम तो नहीं रहा अब आप पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूटी बनाते रहो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि हमारी आपकी सबकी सोच हो जाती है कि पढ़ने का मन नहीं करता है और कितने लोग होंगे जिनका पढ़ने का मन करता है कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से पढ़ते हैं बचपन में पढ़ने का मन नहीं करता था टॉफी खाने का मन करता था घूमने का मन करता था आज भी होता है कि जो नाइन्टी नाइन परसेंट जो हमारे आसपास जनता है वो क्या है ठीक है तो नाइन्टी नाइन परसेंट जनता जो है वो वो नहीं पढ़ने वाली है कुछ ना कुछ लाइफ में कर रही है आपके दोस्त में कुछ एंजॉय कर रहे होंगे कुछ शादियाँ कर रहे होंगे कुछ डेट पे जा रहे होंगे कुछ घूम रहे होंगे ठीक है घूम रहे होंगे कुछ की मतलब बच्चे पैदा हो रहे होंगे ठीक है <laughs> कुछ 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 कुछ, कुछ गाड़ियाँ खरीद रहे होंगे कुछ बाइकें खरीद रहे होंगे कुछ कार खरीद रहे होंगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा मन में वो रहते हैं बहुत ज़्यादा विचलताएँ है, रहती हैं और मन बहुत विचलित रहता है मतलब ऐसा रहता है कि जैसे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ कि एम लिविंग मैं जी क्यों रहा हूँ किस वजह से जी रहा हूँ बताओ ज़िंदगी तो इसे कहते हैं ज़िंदगी तो ये होती है ज़िंदगी तो ये होती है मैं क्या कर रहा हूँ कब आएगा मेरा दिन तो ऐसे में क्या होता है बहुत ज़्यादा एक डिमोटिवेशन आ जाता है माइंड में और आना भी चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं आप उस गाड़ी के पीछे की मेहनत देखोगे तो निकल के आएगी हाँ हो सकता है किसी के पास पहले से बैकअप रहा हो अलग बात है या बोलो शादी के पीछे का जो उस कहानी दोगी वो कहीं ना कहीं सेटल हुआ होगा तब उसकी शादी हो रही होगी या ऐसे हो रही होगी तो वैसे हो तो आप भी कर सकते हैं तो अगर आप अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं तो मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा संघर्ष लगता है अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीने के लिए क्योंकि अपनी शर्तों पर जीना इतना आसान होता नहीं है फिर चाहे वो इकोनॉमिकल वे में बात करूँ चाहे फिर मैं आपसे क्या नाम है आपका सोशल वे में बात करूँ अपनी शर्तों पर जीना मतलब इन देंस कि बहुत लोग नाराज़ होते हैं बहुत लोग गुस्सा होते हैं बहुत लोग दुखी होते हैं और फिर लगता है कि यार नहीं यार क्या क्या है मतलब क्या ही कर सकते हैं ठीक है लेकिन आप अगर सही हो आपको लगता है आप लगे रहिए और ये पढ़ाई लिखाई एक दिन पढ़ने लिखने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है दो दिन पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता ऐसा होता तो इंडिया का हर बच्चा जो है आज तलैया में जो नहा रहा है वो भी और लाइब्रेरी में बैठ के जो पढ़ रहा है बारह बारह घंटे वो भी होता है तो वो उसका भी सिलेक्शन हो चुका होता लेकिन नहीं हो रहा ना भाई तो इस किसका मतलब क्या है अब अगर इतनी मेहनत आपका नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको और मेहनत चाहिए करिए होगा बिन्द्याचन ठाकुर हाँ सर किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देखते हैं हाथ जोड़ा कर चलते हुआ तो अच्छा नहीं लगता मुझे जलन होता है ये सही था ये सही था गुरु ये सही था ये अच्छा लगा मुझे तुम्हारा कमेंट बिन्दाचन ठाकुर तो किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देखते हैं हाथ जोड़ के चलते हाथ जोड़ा के अच्छा हाथ पकड़ के चलते हुए तो अच्छा लगता है देखिए हाथ पकड़ने के लिए आपके हाथ में कुछ होना चाहिए थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सत्य यही है कि कोई आपका हाथ तभी पकड़वा जब आपके हाथ में कुछ हो बच्चा अभी अपनी माँ की गोद में तब भागता है जब उसको लगता है कि माँ की गोद में उसको सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी ठीक है छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ क्यों चलता है उसको पता है कि पिता उसको सहारा देंगे उसको कंधा देंगे उसको आगे लेके जाएंगे ठीक और अगर आपके हाथ में कुछ है तभी दुनिया आपका हाथ थामने को तैयार होगी ये बात सच्चाई है लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है ना तो ये दुनिया बहुत जालिम है दोस्त हाथ छोड़ दीजिए आपकी परछाई के पास भी कोई नहीं भटकेगा तो अपने हाथ को इतना मजबूत बनाइए कि एक हाथ उड़ा के क्या चले हाँ एक जाए तो दूसरी चले तीसरी जाए तो चौथी चले पाँच जाए तो छठी चले और एक साथ दस दस चले ऐसा कुछ करिए ज़िंदगी में फिर देखिए बाहरें बाहरें होंगी ठीक है तो वो मत देखिए बाकी चीज़ों पे फोकस करिए वो अपने आप हो जाएगा राइट और एक पॉइंट आता है एक पॉइंट आने के बाद ये आपकी जो लव लाइफ होती है वो सेटल हो जाती है एक पॉइंट तक नहीं होती है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ चलो स्पीड में क्वेश्चन करेंगे 200 क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को एक दो घंटे में तो 200 क्वेश्चन करने हैं तो फिर स्पीड भी हमारी क्या रहनी चाहिए तेज़ रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ठीक है समझ में ही बात मैं दुख होता है मैं जानता जानते जब मुझे दुख होता था कॉलेज में रहता था अब कॉलेज में लड़के आर वन फाइव चलते थे हाँ अब आर वन खरीदने का मकसद यही होता था कि घूमना तो क्या करें अब हमारे पास नहीं आर थी हम पैदल चलते थे तो कोई पैदल क्यों चलेगा धूप में बताइए इस पूरा है कंप्लीट जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है पूरा है चलिए तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइंग टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव 100 पीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जरा बताएं <coughs> यूपी आंध्र हिमाचल या कर्नाटक यूपी आंध्र हिमाचल या फिर कर्नाटक बताएं जल्दी से फटाफट से यूपी 2030 टू ठीक है आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगला इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पीएम मित्रा पार्क विल बी लॉन्च तो पीएम मित्र पार्क जो है आपके उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किए जाएंगे प्रधानमंत्री मित्र पार्क ठीक है पार्क में घूमने के लिए तो लखनऊ हरदोई इसके अलावा लखनऊ अयोध्या झांसी एंड द मथुरा अयोध्या एंड द मथुरा चलो तो आंसर क्या हो जाएगा जरा बताएं तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या बताएं फटाक से वेरी गुड आंसर हो जाएगा इसका बेटा ये लखनऊ एंड द हरदोई तो ए आंसर क्या होगा इसका राइट हो जाएगा लखनऊ एंड द हर है, है, ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला आता चले इन बी प्लेस ऑफ द उत्तर प्रदेश जी ट्वेंटी मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट एमएसएस ऑर्गेनाइज ऐसा कोई पार्क नहीं अयोध्या में बेटा भाई सब वहां पर वो है ना कौन बजरंग दल वाले बहुत मारेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट एमएसएस ऑर्गेनाइज्ड तो वाराणसी वेरी गुड क्या बात है वाराणसी हो जाएगा आगे देखेंगे अक्टूबर 2022 में लॉस एंजलिस में आयोजित पचासवें एनिवर्सरी सेटन अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता तो यहां पर अक्टूबर 2022 में लॉस एंजलिस में किसने पुरस्कार जीता जरा बताएं फटाक से, 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 से दीजिए एक बार सेशन शेयर से 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 हो चुका है चलिए आर 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 ट्रिपल आर ठीक है राजमौली जी की फिल्म है और इसके गाने को क्या मिला है ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है ये भी क्या करेंगे याद रखेंगे बट ये सवाल देखना पूछेंगे नहीं मैं सत बता रहा हूँ क्योंकि क्यों क्यों नहीं पूछेंगे उनको पता है बच्चे बच्चे को पता है ठीक नाटू नाटू गाना है इसके अलावा नवंबर दो में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दो के लिए किसे चुना गया सर कमल अचांता साथियान गणेश ज्ञान शेखरन सीमा पूनिया एंड द लचसेसेन दो चीज़ें याद रखनी है किसको चुना गया है किस खेल से संबंध रखते हैं तो हो जाएगा शरद कमल अचंता सेकंड सवाल बनेगा कि हाल ही में शरद अचंता जी को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए चुना गया है तो ये किस खेल से संबंध रखते हैं सिंपल सर ऐसे पूछ देंगे नाम भी दे देंगे सब दे देंगे बट पूछ देंगे चलिए खेल बताइए किस खेल के लिए चुना गया है तो कौन सा खेलवा हो जाएगा यहाँ पर चलिए अचंता शरद कमल होता है ठीक है टी टी यानी कि टेबल टेनिस हो जाएगा स्वेता सिंह नाम से दिया टी टी और कोई आप में से अब देखो बच्चा लोग आया नहीं अभी तक सेशन लगवाया आप लोगों के लिए ये बच्चा लोग अभी तक दिखाई दिया नहीं है इतना जो है बच्चा लोग वो हो गया है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है यहाँ से बेटा कि साहित्य अकेदमी ने बाईस दिसंबर दो को कितनी भारतीय भाषाओं अंग्रेजी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार दो के विजेताओं की घोषणा की है बाईस दिसंबर दो क्योंकि दिसंबर चल रहा है छः महीना का है तो दिसंबर का तो क्वेश्चन आएगा आएगा सिंपल सी बात है तो दिसंबर 2022 तक के सवाल आएंगे नवंबर 2022 तक के भी आएंगे अक्टूबर 2022 तक के आएंगे तो अक्टूबर से लेके ये जो आपका मई तक का कंटफेस है इसको पढ़ डालिएगा इतना पूछा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 22 दो चौबीस अच्छा आंसर हो जाएगा आपका 24 विजेताओं की घोषणा यहाँ पर की गई है साहित्य अकेडमी पुरस्कार के द्वारा अच्छा साहित्य अकेडमी पुरस्कार को कब शुरू किया गया था कौन से ईयर में ये थोड़ा स्टेटिक का सवाल हो गया साहित्य अकेडमी को पुरस्कार को कब शुरू किया गया था कौन से ईयर में शुरू किया गया था बहुत ही बेसिक सा सवाल है बच्चा बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि इनमें से कब शुरू किया गया जरा बताएं भाई फटाफट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे स्पीड में बढ़ेंगे क्योंकि स्पीड में इसलिए बढ़ना है कि क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा है 200 सवाल कराने हैं 200 सवाल के लिए आपको स्पीड जो है बना के रखनी पड़ेगी 1954 में भाई 1954 में है शिवानी शाक्या वेरी गुड 1954 हो जाएगा 1954 हो जाएगा फिर देखेंगे निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने 17 अक्टूबर 2022 को पेरिस फ्रांस में पुरुषों को बेलोन डी और 2022 पुरस्कार जीता तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर वन द मेन्स वेलोन डी और टू थाउजेंड ट्वेंटी टी अवार्ड एंड द सेवेंटीन अक्टूबर टू इन द पैरिस फ्रांस किसने जीता बताएं करीम बेंजमा क्रिस्टानो रोनाल्डो मोहम्मद सलाह एंड द सदियो माने रोनाल्डो 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 आंसर हो जाएगा करीम बेंजमा हो जाएंगे और ये क्वेश्चन मैं आपको खराब ही चुका हूँ अक्टूबर 2022 में करीम बेंजमा ठीक है आंसर हो जाएगा ए अरे करीम बेंजमा है रोनाल्डो नहीं है ये करीम वेंजमा हो जाएंगे भैया ठीक है तो करीम बेंजमा ने जीता है कहाँ रोनाल्डो लगा रहे हो और ये जो करीम बेंजमा का पहला पुरस्कार है ये पहला हर चीज़ में रोनाडो लगा देते हो तुम लोग ऐसे थोड़ी ना होता है ठीक है क्लियर है चीज़ चलिए आगे बढ़ेंगे अच्छा ये पुरुष ने जीता महिलाओं में किसने जीता जरा बताइए अगर महिला की बात कर दी जाए सवाल थोड़ा बदल दिया जाए महिला में किसने जीता है ये भी बताएं तो चलिए बार्सिलोना की है बार्सिलोना की एलेक्सिया पोटेलस एलेक्सिया पोटेलस एलेक्सिया एलेक्सिया पोटेलस पोटेलस की है राइट right? तो करीम और इन्होंने जीता पोटेलस ने वेरी गुड काजल यादव एंड 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 कोई नहीं है पोटेलस आगे बढ़ेंगे दोस्त आपने दूसरे उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है 2022 का बुकर प्राइस किसने जीता है यहां पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा का बुकर प्राइज यहां पर किसने जीता है चलो वेरी गुड तो आंसर क्या हो जाएगा इधर शेहन अच्छा शेहन करुणा टिल्क का शेहर करुणा तिलक है ये करुणा तिलक है में पढ़ोगे कुछ और निकल का आएगा वैसे करुणा तिलक है तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है भारत के आसपास के देशों से होगा क्योंकि करुणा जो वर्ड है वो हिंदी वर्ड है और ये श्रीलंका से क्या करेंगे बिलोंग करते हैं कहाँ से करेंगे श्रीलंका से क्या करते हैं बिलोंग करते हैं अच्छा मुझे एक बात बताइए कितने भारतीयों को जो है बुकर प्राइज़ मिल चुका है जरा बताएं कितने भारतीयों को बुकर बुकर पुरस्कार प्राइज़ मिला है एक तो गला भी ख़राब है गला फंस भी रहा है नाक से सांस नहीं आ रही है ठीक है दो घंटा क्लास है भगवानी मालिक होगा क्या होगा चलो तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले जो भारतीय हो जाएंगे वो खुद कौन कौन है तो सबसे पहला बुकर मिला था सलमान रसदी और दो नहीं है भाई ये चार है चार लोग हैं सात अरे भाई साहब है लिखिए फटाक से सबसे पहले लिखेंगे आप लोग सलमान रसदी मिड चिल्ड्रन सलमान रसदी लिखिए पुस्तक का नाम हो जाएगा मिड चिल्ड्रन कब मिला था पता है बहुत पहले मिला था इनको और ईयर इनकी उन्नीस सो इक्यासी वन में मिला था उन्नीस सौ इक्यासी में मिला था ठीक है इसको नोट करेंगे सेकंड आपका हो जाएगा जिसका नाम है आपका अरुंधति राय एक किताबें पूछी जाती है ठीक है अरुंधति राय अरुंधति राय अरुंधति राय को दिया गया था अरुण अरुंधति रॉय को भी दिया गया किस किताब के लिए दिया गया जरा बताइए अरुंधति राय को तो द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग ये हो जाएगा बिंदाचल ठाकुर द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग इनकी है उनकी नहीं है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स द गॉड ऑफ द स्माल थिंग्स हो जाएगा इनको मिला था उन्नीस सौ सत्तानवे में नाइनटी नाइनटी सेवन मिला था सोलह साल के बाद फिर आपका तीसरा जो पुरस्कार मिला था वो मिला था किरण देसाई को किरण देसाई किरण देसाई जी को मिला किरण देसाई जी को मिला किरण देसाई जी, जी को मिला और जो नाम हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा द इनहेरेंट ऑफ लॉस द इनहेरेंट द इनहेरेंट ऑफ लॉस और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका अगर ईयर की बात करेंगे टू थाउजेंड सिक्स हो जाएगा दो हजार छ हो जाएगा ठीक है चौथा पॉइंट की बात करेंगे तो अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर द अरविंद अडिगा अरविंद अडिगा को मिला है अरविंद अडिगा किसके लिए मिला द वाइट टाइगर द वाइट टाइगर के लिए मिला ए एम डी में पूछा था अरे हम जो पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है ठीक है अपनी बात ही अलग है <laughs> अरविंद अडिगा की बात करेंगे तो अरविंद अडिगा जो है हाँ अरविंद अडिगा हो जाएगा अरविंद अडिगा की बात करेंगे तो अरविंद अडिगा इनको मिला कब मिला ईयर बताइए 2008 मिला 2008 मिला है तो मैं हट जाता हूँ स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग 2008 में मिला राइट 2008 में दिया गया अरविंद अडिगा जी को ठीक है कल मैंने पेपर देखा उसका पी का पेपर देखा और उसके अलावा फिर मैंने उसका देखा क्या नाम है आपका क्या नाम है और जो मद नसीहत का पेपर हुआ था दोनों पेपर देखने के बाद मुझे लगा अपनी अपनिच भगवान है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट अगला सवाल आता है कि आप बैंकों और वित्तीय संगठों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है तो 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसने जीता है 2022 हज़ार बाईस का बैंकों अर्थशास्त्र के लिए और ये सवाल आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ यू पी पी पेपर में पढ़ाया हुआ है हाँ मैं देख रहा था मैगजिमम पढ़ाया हुआ है यू पी के पेपर में ठीक है तो अच्छा पेपर क्या होगा जो लोग पढ़ रहे होंगे चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बी 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 बैनस बेनस बेनस बर्नाक बार के डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड द फिलिप एच डाइविक होमवर्क जो दे रहा हूँ वो लिखते चले जाइएगा होमवर्क लिखते चले जाइएगा होमवर्क आपका ये है होमवर्क आपका ये है कि भाई आपको करना गया है आपको करना गया है आपको सारे जितने भी नोबल प्राइज़ हैं वो नोबल प्राइज आज जाके घर पर याद करने हैं ठीक है थीके? ये आपका होमवर्क है साथ ही साथ लेते रहिए आगे बढ़ेंगे ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रथम हाँ पाबू को मिला है पीस पापू को मिला जरा बताएं प्रथम रोहिणी पुरस्कार की बात करेंगे किसको दिया गया है तो ये आपका हो जाएंगे इधर आपका ये आपका हो जाएंगे सेत्री कैम्प संगतम हो जाएंगे प्रथम आपका रोहिणी नैय्या पुरस्कार हो जाएगा आगे बढ़ेंगे और कल से शायद मैं अफेयर्स भी शुरू कर रहा हूँ नौ बजे जो क्लास चलती है आप लोगों की उसमें यूपी जी के प्लस करंट अफेयर्स रहेगा तो उसमें तीस मिनट आपका करंट अफेयर्स रहा करेगा और तीस मिनट आपका यूपी जी का रहा करेगी ऐसा कुछ प्लान बनाया है तो फिर कल से शुरू किया जाए फिर ठीक है तो सेत्री चेम आपका संगतम हो जाएंगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फिर आप ये इंग्लिश में थोड़ा सा देखेंगे इंडियाज पी आर सीरीजेस एंड द सविता पुनिया हैव बीन वोटेड एफ आई एच मेन्स वुमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एफ आई एच विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अवर स्टेटमेंट ठीक है चलिए सविता हैज बिकम ओनली द थर्ड एथलीट टू बिन दिस अवार्ड फॉर द कॉन्जिक्यूटिव टू ईयर्स दो साल में लगातार जीतने वाली ये तीसरी एथलीट बन गई हैं ठीक है थीके? इसके साथ साथ में हैज बिकम द सेकेंड प्लेयर टू बिन द अवार्ड टू कंजुकेटिव टाइम्स ये दूसरे प्लेयर बने हैं और गोलकीपर ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला जो स्टार्ट हुआ था ये 2014 में स्टार्ट हुआ था कौन सा टिक होगा ऑल ऑफ द एवअप राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एवअप बढ़िया आगे देखते हैं सर रसायन विज्ञान में दो का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैरेन बर्टोजी मार्टिन मेल्डल और बेरी सापलेस को क्या दिया गया है अणुओं के टूटने और स्पिनिंग पर उनके काम के लिए दिया गया है इनमें से किसने पहले भी 2001 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था तो उन्होंने पहले भी नोबेल पुरस्कार जीता था सोचो 22 साल फिर रिसर्च किया किसी दूसरी चीज़ के ऊपर और एक रिसर्च करने में बाईस साल लग गए उनको और बाईस साल में याद रखिएगा इन्होंने कैरोलिन बर्टोजी मार्टन आ, मार्टन मेल्डस बेरी शार्पलेस चलिए इनमें से कोई नहीं सिंपल ये है कि इन्होंने दो में भी नोबेल पुरस्कार जीता था तो शार्पलेस आंसर हो जाएगा बेटा आपका बैरी सापलिस हो जाएंगे बहुत सापलिस हैं राइट right? है आगे बढ़ेंगे अगला आता है कि बाईस दिसंबर दो को तीसरे एशियन इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया तो हु रिसीव द फर्स्ट प्राइज इन द ग्रास रूट इनोवेशन कॉम्पिटिशन एट द थर्ड एशियन इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम फॉर हर इनोवेशन मॉडिफाइड वॉकर विद द एडजस्टेबल लेग्स ऑन द ट्वेंटी दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो श्लोक मुखर्जी विजय अमृतराज शालिनी कुमारी एंड द बबिता सिंह तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बेटा आपका ये शालिनी कुमारी ठीक है सी इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि बीस नवंबर दो को गोवा में तिरपनवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आई एफ एफ आई में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया है जरा बताएं तो इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया है तो विजय देवरकोंडा रजनीकांत चिरंजीवी मोहनलाल ठीक है ये चारों ही बहुत बहुत बिंदास एक्टर हैं इनकी मूवी देखने में मजा आता है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये चिरंजीवी हो जाएंगे चिरंजीवी ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है ऐसे कि अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठान नानसेन पुरस्कार किसने जीता है जरा बताएं तो यहाँ पे बात बताएं फटाक से कि ये हमारा अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार किसने जीता है डोनाल्ड ट्रंप इमेनुअल मैक्रो जस्टिन टूड्रो एंड द एंजला मर्केल हु एज बंद यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसीज प्रेस्टीजियस नानसेन अवार्ड इन द अक्टूबर दो हज़ार बाईस तो नानसेन अवार्ड जीता है किसने बी आंसर दिया शिवानी साखिया ने और आंसर हो जाएगा गलत क्योंकि अंजला मार्केल ने यहाँ पर जीता है ये नानसेन पुरस्कार तो 22 जर्मन चांसलर हो जाएंगे वेरी गुड बृन्ध्याचल ठाकुर ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे एक किसी का कमेंट आया था बहुत बड़ा कमेंट था मैं देख नहीं पाया देख लेता हूँ कुछ तो था आगे बढ़ेंगे वो विल बी कन्फर्ट द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो नवंबर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आई एफ एफ आई के तिरपनवे संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दो हजार बाईस से किसे सम्मानित किया गया है तो अब स्टीवन स्पीलबर्ग मार्टिन स्कोरसेस कार्लोस सोरा या फिर आपका एल्फ्रेड हिचकॉक राइट आंसर क्या होगा इनमें से बताएं तो इनमें से देखेंगे नवंबर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आई एफ एफ आई के तिरपनवे संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दो से किसे सम्मानित किया जाएगा तो कार्लोस सोरा तो आंसर हो जाएगा कार्लोस सोरा ठीक है आगे बढ़ेंगे इधर संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे शीर्ष दस विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है तो, तो, तो है दुणाग 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 द यूनाइटेड नेशंस हैज रिकोग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज वन ऑफ द टॉप टेन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड तो संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे है शीर्ष दस विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है तो आंसर हो जाएगा आपका नमामि गंगे तो नमामी गंगे प्रोजेक्ट हो जाएगा ठीक है विश्व बहाली क्योंकि ये किसी नदी को ठीक करने के लिए है इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए है और ये प्रोजेक्ट बहुत दिन से चल रहा है बहुत सालों से चल रहा है आई थिंक ठीक है बहुत पैसा भी जल्द लग चुका है इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे एलन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर ने संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता शांति रसायन विज्ञान भौतिकी और द फिजियोलॉजी या मेडिसिन एलिन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लॉसर एंटोन और आपका देखो ये पीस तो होगा नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स हम पढ़ ही चुके हैं बचा क्या बचा सॉरी फिजिक्स बचा राइट केमिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं फिजिक्स बचा है भौतिकी के लिए मिला है इन्हें नोबेल पुरस्कार ठीक है फिजिक्स आगे बढ़ेंगे अगला सवाल यहाँ से आता है बेटा कि दो के लिए डूडल फॉर द गूगल प्रतियोगिता में किसको भारत के लिए उनके प्रेरक डूडल इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए विजेता घोषित किया गया है चलो बताएं जल्दी से 2022 के लिए डूडल फॉर द गूगल प्रतियोगिता में किसको भारत के लिए उनके प्रेरक डूडल इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए विजेता घोषित किया गया है डी श्लोक कोलकाता क्या बात है आंसर हो जाएगा श्लोक मुखर्जी सब रटके बैठे हुए तुम लोग अच्छी बात है अच्छा लगा सरदार खुश हुआ फिर किसने विलुप्त हेमनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित अपनी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता तो हुआ एज बन द नोबल प्राइज 2022 इन द फिजियोलॉजी और द मेडिसिन फॉर इज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जिनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिन एंड द ह्यूमन इवोल्यूशन तो किसने विलुप्त आपका हेमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित अपनी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबल पुरस्कार जीता नोबल पुरस्कार मानव विकास के जीनोम से संबंधित तो आंसर हो जाएगा श्वान्तो श्वानते पाबो श्वानते पाबो हो जाएंगे आगे बढ़ेंगे अगला सवाल 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेली के एसफोर्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं बेली के एसफोर्ड मेडल प्राप्त करने, करने वाले पहले भारतीय कौन <स्द> बने हैं डॉक्टर सुभाष बाबू सतीश साह अनामिका जैन एंड राजकुमार बंसल चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से बेली के एसफोर्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं तो डॉक्टर सुभाष बाबू वेरी गुड डॉक्टर सुभाष बाबू हो जाएंगे अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस संगठन व्यक्ति को नोबल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है अब देखिएगा यहाँ से नोबल शांति पुरस्कार की बात की जा रही है कंबाइंड रूप से मिला होगा इनमें से एक इंसान को नहीं मिला है और वो इंसान हो जाएंगे आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नहीं मिला है बाकी आपका एलस एस बिलास्की ऑफ द बेलारूस इनको दिया गया है रशियन राइट ग्रुप ऑफ द मेमोरियल इनको भी दिया गया है यूक्रेन सेंटर फॉर द सिविल लिबर्टीज उनको भी दिया गया है ये आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यू को नहीं सम्मानित किया गया है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल फिर आता है कि सात दिसंबर दो को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है ब्लादिमिर पुतिन रमाजान <coughs> का जी जिनपिंग ब्लादिमोर से क्या राइट आंसर हो जाएगा टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है तो आंसर हो जाएगा इसका बेटा ब्लादिमिर जेलेंस्की ठीक है ये यूक्रेन के क्या हो जाएंगे जेलेंस्की क्या है यूक्रेन के यूक्रेन से बिलोंग करते हैं रशिया के उन्होंने काफ़ी बढ़िया काउंटर अटैक किया था जेलेंसकी जी ने ठीक आगे बढ़ेंगे किस भारतीय स्टार्टअप ने दिसंबर 2022 में अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 जीता है अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू हैज़ बीन वन बाई किसने खेती हरियाली सेहतकारी या फिर खेती बाड़ी तो आंसर हो जाएगा इसमें से क्या आपका ये हो जाएगा खेती हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ठीक है दोस्त आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न आता है कि फरवरी 2023 में पेरिस में हुए द वेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में फीफा द्वारा पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया तो हुजीन नेम द वेस्ट प्लेयर इन मैनस फुटबॉल बाई द फीफा एट द वेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड इन पेरिस इन द फरवरी दो तो नेमर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनी मेसी या फिर आपका हो जाएगा किलियन एम्बापे तो हो जाएंगे कौन कौन मेसी हो जाएंगे मेसी ने बहुत अवार्ड जीते हैं वर्ल्ड कप जीते हैं तो अवार्ड तो मिलेंगे मिलेंगे ऑब्वियस ऑब्विय बात है ठीक है फिर आगे आते हैं बेटा यहाँ पर कि चौथरवें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है ये सवाल आपका पूछा गया है कल के मध्य निषेध के पेपर में संडे को जो हुआ था सेम क्वेश्चन आया था सैटरडे को अगर कराया होता मैंने तो सैटरडे को अगर कराया होता मैंने सेशन तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कल आया हुआ था उत्तराखंड को मिला है और इन्होंने वन्य जीव वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने किया है तो उत्तराखंड को दिया गया टॉप प्राइज इससे पहले जो है यूपी जीता था तो कई लोग यूपी लगा के चले आए हैं बट यूपी नहीं है यूके इसका आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे इधर उत्तराखंड फिर आता है बेटा कि निम्नलिखित में से किसने छठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है चलो केदारनाथ चल, तो किसने छठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है आरआरआर केजीएफ चैप्टर टू पुष्पा द राइज एंड द ब्रह्मास्त्रा चलो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आर 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 राइट right? चलिए आर 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 फॉर द बेस्ट लैंग्वेज एंड द बेस्ट सॉन्ग एग्जैक्टली बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दो का प्राप्तकर्ता नामित किया गया वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हो जाएगा बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ दक्षिण अफ्रीका एंड द नेपाल तो आंसर क्या हो जाएगा नेपाल प्यारा नेपाल नेपाल कौन कौन जाएगा नेपाल जाइएगा तो थोड़ा पैसा लेके जाइएगा शॉपिंग करके आइएगा नेपाल में नेपाल में जो जैकेट्स वगैरह होती हैं सर्दियों से पहले जाइएगा और सर्दियों के अगर बाकी में आपको बढ़िया बढ़िया जैकेट्स चाहिए आपको अच्छी अच्छी ब्रांडेड वगैरह पुमा पुमा वगैरह की लिवाइस वगैरह की ये सब तो जाइएगा आपको अराउंड अराउंड जो यहाँ का रेट मिल रहा होगा जो यहाँ का रेट मिल रहा होगा वहाँ से करीब करीब आधे से आधे आधे से भी कम के रेट में आपको मिल जाएगा जो जैकेट आपको यहाँ पर ढाई हज़ार की होगी वो वहाँ पे आठ से नौ सौ रुपये की मिल जाएगी आपको सोचो आप जो ढाई तीन हज़ार की जो जैकेट है वो ढाई वो आठ नौ सौ की मिल जाएगी ठीक है एक जैकेट थी यहाँ पर दो हज़ार पंद्रह का बता रहा हूँ टू थाउजेंड फिफ्टी बता रहा हूँ तो टू में जैकेट थी यहाँ पे साढ़े तीन हज़ार की लेकिन कॉलेज में थे तो साढ़े तीन हज़ार की जैकेट पहनना मतलब तो समझ रहे हो माँ पाप हुआ करता था कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग गए थे तो हम लोग को वहीं पर वो दिख गया मतलब नहीं ये जैकेट तो यार मतलब पत, प, पता किया लेकिन शोरूम में भाई साहब ये प्राइस था तो लोकल तो नहीं थी ठीक है नहीं नहीं कानपुर से नहीं लिया था <laughs> कानपुर से नहीं लिया था कानपुर वाली तो वो पंद्रह सोलह हज़ार रुपये की है ठीक है सीप लेदर जिसको बोलते हैं मुझे जैकेट्स का थोड़ा शौक भी है मुझे ठीक है तो वो 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 वहाँ पर थी वहाँ पे मुझे साढ़े आठ सौ नौ सौ रुपये की पड़ी थी ठीक है हमेशा लोकल होगी लेकिन बात लेकिन वो सही थी अभी भी ठीक है वो आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में 25 मार्च 2023 को दिए गए संसद रत्न पुरस्कार के तेरहवें संस्करण के विजेताओं में से एक है ठीक है चलो तो निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में 25 मार्च 2023 को दिए गए संसद रत्न पुरस्कार के तेरहवें संस्करण के विजेताओं में से एक हो जाएगा तो उसको बोलेंगे विद्युत वरण महातो कुलदीप राय शर्मा हिना विजय कुमार गर्वीत तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एवअप ठीक है चलो मुझे दो दो चीज़ें दो तीन चीज़ें जो है काफ़ी फेवरेट है मेरी एक तो घड़ी वॉचेस वॉचेस मुझे बहुत पसंद है वॉचेस के अलावा शूज़ जो होते हैं शूज़ पसंद है एंड जैकेट्स और किसी चीज़ का शौक नहीं है चलो वही फरवरी दो हज़ार तेईस को कौशित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता तो ये भी आपका दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ठीक है तो आंसर हो जाएगा द कश्मीर फाइल्स फ्रेडी या फिर धमाका या हिट ंस हो जाएगा द कश्मीर फाइल्स अभी केरलाज स्टोरेज करके मूवी चल रही है उसको भी देखना अवार्ड अवार्ड मिलेंगे पक्का मिलेंगे जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से विवेक अग्निहोत्री हो जाएंगे वेरी गुड केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पच्चीस जनवरी दो को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स अनाउंस्ड हाउ मेनी नेम्स फॉर द पद्म विभूषण ऑन द पच्चीस जनवरी दो बताएं तेईस हाँ अगर अगर प्रिंट अच्छा हो तो लिंक भेज देना मैं देख लूंगा ठीक है क्योंकि कल जाने वाला था मैं जाने मैं भी कल जाने वाला था क्लास आठ बजे खत्म हुई दस बजे का सो था सो गया तो फिर सो ही गया चार छः आठ दस आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा छः हो जाएगा छः ठीक है पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की है छः नामों की घोषणा की है ठीक आगे बढ़ेंगे किसने उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बस 2022 के लिए आईसीसी सी टी क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है तो आईसीसी सी टी क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है कौन सा बताएँ तो विराट कोहली के राहुल हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव स्काई कुमार अच्छा सूर्य कुमार यादव काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस को कौन सा मैच था साढ़े चार पाँच दिन पहले कोई मैच था सुना था मैंने देखा नहीं इसमें बहुत अच्छा इन्होंने शतक मारा था और मुंबई इंडियंस को इन्होंने टॉप थ्री में लेकर आ गए हैं तो अच्छा प्लेयर हैं ये आगे इनका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है ठीक है मार्च दो में गणित के लिए एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है चलिए एक ही तो यादव है क्रिकेट में नहीं रुद्रप्रताप सिंह यादव भी हुआ करते थे तो आंसर इसका हो जाएगा बट आपका ये लुइस कैफरेली हो जाएगा लुइस कैफरेली ठीक है एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है लुइस कैफरेली ठीक है सी आंसर हो जाएगा राइट अब देखो यहाँ से देखो अब यहाँ से देखो कि भाई साहब कि ठीक है क्या देखना चाहिए देखो ना देखो मैडम को जरूर देखना चाहिए क्या देखना चाहिए भाई मैं फेवरेट मेरी तो शुरू से मुंबई इंडियंस है जब मुंबई इंडियंस पहले उस पर आ करती थी दो हजार नौ दस में ठीक है तो उसमें उसमें जो है यादना उसमें इन देंस कि तो वहाँ पे एक्चुअली में तब से मुंबई इंडियंस फेमस है और ये इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है आप देखो दुनिया में ना दुनिया उसी को पूछती है उसी को देखती है जिसके पास कुछ ना कुछ होता है मैं सच बता रहा हूँ बड़ा लोग कुछ ना कुछ बहाना करके आपसे नक्की कर लेंगे कट्टी कर लेंगे कि भाई ठीक है मैं सच बता रहा हूँ ये और फैक्ट है ये आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए समाज उनको ही याद करता है जिन्होंने समाज को कुछ ना कुछ दिया है लेने वालों को याद नहीं करता पहली चीज तो ये ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल अगला आता है कि अपनी पुस्तक दोगलापन के लिए किसे गोल्डन बुक अवार्ड दो से सम्मानित किया गया है हु रिसीव द गोल्डन बुक अवार्ड टू for his book इज बुक दोगलापन अपनी पुस्तक दोगलापन क्या दोगलापन है ये? हाँ ऐसे असनीर ग्रोवर जो थे ना उसमें आए थे ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल फिर प्रतिष्ठित संगीत अकेडमी चेन्नई के प्रतिष्ठित संगीत कला पुरस्कार के लिए चुना गया है तो चेन्नई के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार किसे चुना गया है हरीश राघवेंद्र ठीक है बॉम्बे जयश्री हरनी अनुराधा श्री राम चलिए देखो तो प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता है प्यार का मतलब होता है कोई जहाँ भी रहे जैसे भी रहे जिसके साथ भी रहे जिस हालात में भी रहे खुश रहे मस्त रहे आबाद रहे <laughs> चलिए तो बोलेंगे हरीश राघवेंद्र बॉम्बे जयश्री हरनी अनुराधा श्री राम तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बॉम्बे जयसरी हो जाएगा तो सेकेंड इज द बॉम्बे जयसरी ठीक है तो सेकेंड बनेजा आइट बॉम्बे जैसरी हाँ एग्जैक्टली मैं सही बता रहा हूँ देखो किसी से अगर आप प्यार करते हो मैं सिंपल सुनना किसी से आप प्यार करते हो एकदम एक, एक लाइन में बोलूंगा ताकि एक शॉर्ट बन जाए उसमें किसी से प्यार करते हो मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी खुशी चाहते हैं ना अगर आपको साथ रहने में उसको अगर दुख हो रहा है उसको कष्ट हो रहा है तो अगर आप एक्चुअली में सच्चा प्यार करते होंगे तो आप यही चाहेंगे कि वो इंसान आपसे दूर हो जाए फिर वो कहीं भी रहे किसी के साथ रहे कैसे भी रहे खुश रहे और अगर प्यार होगा तो आपकी उसकी खुशी से खुशी होगी लेकिन अगर आपका ईगो होगा आपका अहंकार होगा आपका घमंड होगा आपका जिद होगा उसको पाना तो आप खुशी नहीं रहेंगे ये बात याद रखिएगा तो प्यार अहंकार ईगो में अंतर होता है तो किसी को जाने देना उसकी खुशी के लिए ये प्यार है किसी को रोक के रखना अपनी ईगो के लिए ये आई थिंक प्यार नहीं है राइट चलो आगे बढ़ेंगे फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करेंगे कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए छः श्रेणियों में छः श्रेणियों में प्रदान किया गया है चलो <laughs> तो बताएं इधर छ नौ ग्यारह पंद्रह छ नौ ग्यारह पंद्रह बताएं जल्दी से छ नौ ग्यारह पंद्रह तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा आपका ग्यारह हो जाएगा राइट आंसर ठीक है गौरव त्यागी जी गौरव त्यागी जी आपका एस में सिलेक्शन हो गया है इनकम टैक्स आपको मिला है बहुत बहुत धन्यवाद आप करते हैं टेस्टबुक के प्लेटफॉर्म का लेकिन मिठाई आपने नहीं भेजवाई है त्यागी जी आगे बढ़ेंगे किस राज्य के लुंगले फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दो प्राप्त हुआ है जरा बताएं चलिए सी डी अलग अलग आंसर आ रहे हैं सी डी ए बी और लगा दो कुछ ना कुछ तो आंसर हो जाएगा बेटा ये मिला है मिजोरम को दिया गया है यहां पर तो लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है ठीक है बात चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे अगला सवाल संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजलिस में आयोजित पैंसठवें वार्षिक ग्रही पुरस्कारों में तीसरी बार ग्रही पुरस्कार किसने जीता है रिकी केज ने जीता है रिकी केज के साथ साथ में आपका शंकर महादेवन पूर्वाण चटर्जी प्रवीण डी राव किसने जीता आपका तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार ठीक है बोलता नहीं है अनि सिंह ग्रैमी ले आऊंगा राइट ठीक है चलिए एक गाने में उसने लाइन यूज किए ग्रह मी ले और ग्रही संगीत में दिया जाता है तीसरी बार जीता है इन्होंने और वो हो जाएंगे आपके रिक्की केज हो जाएंगे रिक्की केज ठीक है रिकी केज रिक्की केज ठीक है चलिए बढ़िया गरिमा ये वाला कर लेना जो मैंने अभी बोला था है, उसको देना बना के आगे देखेंगे पंद्रह जनवरी दो को इकहत्तर वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता किसे नामित किया गया है सो ज नेम्ड विनर ऑफ द सेवेंटी फर्स्ट एनुअल मिस यूनिवर्स एड ऑन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बताए तो हो जाएगा आपका ग्रेवियल क्रिस्टियल इंस्टीट्यूट मार्गन रोमानो एंड आपका हो जाएगा चेस्ली चेस्ली क्रिस्ट चैसली क्रिस्ट चलिए बताएं तो आरबोनी गैब्रियल क्या बात है आर बोनी ग्रेबियल राइट आंसर हो जाएगा इसका यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता किसे नामित किया गया आर बोनी गैब्रियल सवाल ज्यादा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैराथन है ज़्यादा जान्द ज़्यादा सवाल करेंगे जो आपकी डेली क्लासेस होती हैं उसमें समय आप आइएगा सुबह नौ बजे तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन में मिलेगा राइट है चलो आगे बढ़ेंगे सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया है प्रवासी भारतीय भारतीय सम्मान ये आपका नौ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और ये उन्नीस में गांधी जी आए थे उनकी उपलक्ष्य मनाया जाता है तो कुल प्रवासी जो जाएंगे सत्ताइस ट्वेंटी प्रवासियों को नामित किया गया है वेरी गुड प्रशांत आगे बढ़ेंगे ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है तो ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है जरा बताइए जरा आंसर बता दीजिए ब्रेंडन फ्रेजर क्या बात है प्रशांत आंसर हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर हो जाएंगे आगे बढ़ेंगे अगला फ्रेशर नहीं फ्रेजर है बेटा ठीक है फिर देखेंगे इधर किस देश ने एफ आई एच पुरुष हॉकी विश्व कप दो हजार तेईस का खिताब जीता है तो विच कंट्री वन दी एफ आई एच मैं टाइटल बेल्जियम जर्मनी नीदरलैंड या फिर आपका पोलैंड बेल्जियम जर्मनी नीदरलैंड या फिर आपका पोलैंड चलिए बताएं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा आपका आंसर हो जाएगा ये जर्मनी हो जाएगा एफ आई एच पुरस्कार हॉकी विश्व कप का, का खिताब जीता है देखेंगे तो कंट्रीज हो जाएगी आपकी जर्मनी हो जाएगी राइट है चलो आगे बढ़ेंगे फिर महिला क्रिकेट में किस देश ने फरवरी 2023 में छठी बार आईसीसी सी सी टी ट्वेंटी की ट्रॉफी जीती है छठी बार चिराग जो खुद की रोशनी देता है उसको प्रकाश की क्या आवश्यकता चलो ब्रज कब न फल बके नदी न संचय नीर बताएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा महिला क्रिकेट में किस देश ने फरवरी 2023 में छठी बार आईसीसी सी टी विश्व कप क्या जीता है ट्रॉफी जीती है पाकिस्तान श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया 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 हो जाएगा राइट आंसर ठीक आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2003 के पुरुष एकल मैच के फाइनल में सिपास को किसने हराया जरा बताएं। बताए जल्दी फटाक से तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टू के पुरुष एकल मैच के फाइनल में स्टेफानो सिपास को किसने हराया राफेल नडाल कार्लोस अलगराज या फिर नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर चलो तो नोवाक जोकोविक इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन सवाल आता है कि आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया हु वाज एज द आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 थाउजेंड यादव मार्को जॉनसन या फिर आपका बोले तो ये अर्शदीप सिंह या फिर फिन एलन कौन हो जाएंगे इधर बताएं मार्को जानसन क्या बात है मार्को जानसन हो जाएंगे वेरी गुड अगला सवाल रणजी ट्रॉफी 2022 हजार किस टीम ने जीता रणजी ट्रॉफी 2022 हजार किस टीम ने जीता बताएं रणजी ट्रॉफी 2022 हजार किस टीम ने जीता कर्नाटक दिल्ली विदर्भ या फिर सौराष्ट्र तो आंसर हो जाएगा ये सौराष्ट्र ने जीता अगला सवाल देखते हैं लवलीना बार्गोन ने नई दिल्ली में आईवीआई महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की तालिका में चौथा स्वर्ण पदक जोड़ा उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है ये पचास किलोग्राम कैटेगरी में इक्यासी किलोग्राम कैटेगरी में 48 किलोग्राम कैटेगरी में या 75 किलोग्राम कैटेगरी में तो लवलीना बारगोन ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में यह पुरस्कार जीता है ठीक है 75 किलोग्राम ठीक आगे बढ़ेंगे जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 हज़ार किसे नामित किया गया विराट कोहली बाबर आजम बेन स्टोक्स एंड द जॉस बटलर तो जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है विराट कोहली बाबर आजम बेन स्टोक एंड द जॉस बटलर तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेन स्टोक्स राइट बेन स्टोक्स हो जाएंगे इनको किया गया है मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 आगे बढ़ेंगे अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बनी है पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बनी है दिल्ली कैपिटल्स या फिर आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आर गुजरात जाइट जाइंट्स एंड द मुंबई इंडियंस जो आपकी महिला प्रीमियर लीग हुई थी वैसे वुमेन्स में कौन जीता है तो वुमेन्स में कौन जीती मुंबई जीती है आली मुंबई राइट आगे बढ़ेंगे फिर 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी की मेन स्ट्रीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय कौन हो जाएगा सूर्य कुमार यादव विराट कोहली ऋषभ पंत या फिर आपके हार्दिक पांड्या तो आईसीसी ने जो टीम जारी करती है बेस्ट खिलाड़ियों को चुनती है इसमें कौन हो जाएगा आपका इधर शामिल आर किस्मत इतना बैट कैसे है पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है आर के साथ में <laughs> तो आंसर हो जाएगा बेटा ये हो जाएंगे ऋषभ पंत हो जाएंगे विकेट कीपर इसलिए लिए गए हैं आगे देखेंगे इधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन किस शहर में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हज़ार कलमिनेटेड इन विथ सिटी पटना कोलकाता लखनऊ भोपाल बताएं पटना कोलकाता लखनऊ याद भोपाल चलिए भैया मुझे इस क्लास के बारे में मालूम नहीं था कोई बात नहीं गजेंद्र भाव अभी आ गए देर आए पर दुरुस्त आए अभी ये घंटा और है तो भोपाल 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 एंड भोपाल ठीक है भोपाल और चलिए मुंबई टॉप आगे बढ़ेंगे इधर निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी ने चीन के रेन जिया नग्यू और टेन कियांग को हराकर पुरुष युगल खिताब जीता है तो बर्न जेनेबा बसेल ज्यूरिख चलिए मुंबई ने इस बार जीतेगा लग तो रहा है ऐसा बताएं तो जर्मनी आंसर हो जाएगा बेटा इधर ये ये ब्रा... ये बैसल हो जाएगा बैसल बैसल हो जाएगा राइट तो सी इसका राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस किसने जीता है 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित हुआ था आपका पहली फार्मूला ई रेस किसने जीता है ये सब गूगल कर लेना बिधनाचल बाद में सवाल कराने दो सौ ठीक है 200, तो सौ कराने सौ करा देता हूँ सौ आपको होमवर्क में दे दूंगा करते रहिएगा पढ़ते रहिएगा पूरे छः महीने करंट अफेयर्स है तो निक कासेडी एंटोनियो फ्लेक्स द कोस्टा पैड्रोलेमी एंड द जीन एरिक बर्गेन जीन एरिक बर्गेन हैदराबाद में आयोजित पहली फॉमला ई रेस जीतने वाले कौन हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे अपने जीन एरिक बैर्गेन ठीक है डी इज़ द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे अगला आता है निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए आईसीसी मेंस सी टी ट्वेंटी ऑफ द ईयर में जगह मिली है वो अमंग द फॉलोइंग हैज हैव फाउंड द प्लेस इन द आईसीसी मेंस सी टी ट्वेंटी टीम ऑफ द ईयर ऑफ द 2022 निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए आईसीसी मेंस सी टी ट्वेंटी टीम ऑफ द ईयर में जगह मिली है विराट कोहली सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या या उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा बेटा सारे हो जाएंगे ये विराट कोहली सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या तीनों ही हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट यहाँ से आता है बेटा कि जनवरी 2023 के कोला लामपुर मलेशिया में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है गजेंद्र सिंह पीडीएफ मिल जाएगी बेटा टेलीग्राम पे ज्वाइन करो टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन तो किए नहीं हो चलो एक्सलसन ओके चलिए तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा विक्टर एक्सलसन ठीक है विक्टर एक्सलसन गजेंद्र सिंह का कमेंट इतना डार्क कैसे थाड़ा भाई जोगेंद्र है ना डार्क है <laughs> आगे निम्नलिखित तो में से किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 आईएचएआई राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का बार संस्करण जीता तो ये लद्दाख स्काउट्स दिल्ली आईटीबीपी भारतीय सेना ठीक है गुड मॉर्निंग पल्लवी गुड मॉर्निंग आईटीबीपी टी इंडो टेबर्थन बॉर्डर पुलिस हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा इसका आईटीबीपी ने जीता ही है ठीक अगला सवाल आता है यहाँ से कि 29 जनवरी 2023 को अल जहरा कुवैत में आपका 25,000 डॉलर आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता बताएं तो प्रजेस प्रजनेश गोड़ेश्वरन राम कुमार रामनाथन सुमित नागल या फिर अब या फिर आपका यू की भामरी चलो तुम भी ऐसे लिखा करो तुमको बोल देंगे प्रशांत कैसी बात कर दी तुमने जलो मत तो ऐसे लिखो तो तुमको भी बोल देंगे बड़ा सा जी बना के ऊ करके लिखना तो गुड मॉर्निंग बोल देंगे लिखो तो तुम ऐसे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा आपका यह हो जाएगा प्रजनेश गुणेश्वरन ठीक है प्रजनेश गुणेश्वरन आंसर हो जाएगा इसका राइट आगे बढ़ेंगे अगला सवाल अगला क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया है चलिए अरे लिखो तो प्रशांत भैया हम तुमको भी गर्ल्स बना लेंगे काय परेशान हो हमको कब तक वो पल्लवी है कि वो आप क्या नाम है उसका नाम प्रकाश है हमको यार सो पता चलेगा अब वैसे लिखा है तो हम लिख दे रहे हैं <laughs> चलो तो दो हज़ार बाईस क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया है ज्ञानेंद्र मल्ला आसिफ शेख और आपका जाएगा कुशल भोटेल और रोहित पौडेल राइट आंसर क्या होगा तो आंसर हो जाएगा इसका आशिफ शेख जी हो जाएंगे बी आंसर राइट होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे अखिल भारतीय ताइकांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है तो यहाँ पर जाएंगे आपके जापान दक्षिण कोरिया या फिर मलेशिया या सिंगापुर चलो प्रशांत फिर जाएगा काजल दो <laughs> तो अखिल भारतीय ताइकांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सहम मजबानी ठीक है वही मिल जाएगी बेटा गजन सिंह वही मिल जाएगी राइट तो सहमेजवानी कौन सा देश कर रहा है तो हो जाएगा जापान दक्षिण कोरिया मलेशिया या फिर सिंगापुर बताएं तो डी आंसर हो जाएगा कौन होगा डी नहीं होगा बी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ये हो जाएगा साउथ कोरिया होगा सिंगापुर नहीं है तो साउथ कोरिया इज दी राइट आंसर ठीक है यूपी जी के भी होगी जब सब कुछ होगा शिवकांत शिवकांत लवानिया राइट आगे बढ़ेंगे किस खिलाड़ी ने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है जो 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन इवेंट होता है थ्री पोजीशन इवेंट होता है उसमें 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 किसने स्वर्ण पदक जीता है एंड ऑप्शन आपका रुद्राज बाला साहेब पाटिल या किरण अंकुश जाधव अर्जुन बबुता एंड 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 ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर देख रहे नाम देख रहे हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ठीक है चलो तो पाटिल जी हो जाएंगे यहाँ पर कहाँ पाटिल 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 ये ऐसो सॉरी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर हो जाएंगे पाटल कहाँ लगा रहे हो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर तोमर इज़ दी राइट आंसर ठीक आगे बढ़ेंगे जिंदाल साहब भी आए हुए हैं जिंदाल साहब आ गए आ गए किस टीम ने 2023 को रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है रजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है अभी कराया थोड़ी देर पहले कराया था मैंने ये देखो इतनी बड़ बड़ी बड़ी आँखें करके मैसेज आ रहा है बेटा चैट से बाहर निकल आएंगी आँखें सौराष्ट्र हो जाएगा सौराष्ट्र 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 ठीक है आगे बढ़ेंगे किसने जनवरी 2023 में बरिंगम में सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वेस खिताब जीता है गर्ल्स अंडर 15 स्क्वेस खिताब जीतने वाले कौन हो जाएंगे चलो भाई बताएं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा ये हो जाएंगे आपका अनाहत अनाहत सिंह ठीक अनाहत सिंह हो जाएंगे ये राइट डी आंसर अगला सवाल आता है यहाँ से बेटा कि किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप दो जीता है तो फीफा क्लब विश्व कप दो को जीतने वाले कौन हो जाएंगे अल हिलाल फ्लोमेंगो अल अहली और इसके अलावा रियल मैड्रिड रियल मैड्रिड प्रशांत ने दिया रियल मैड्रिड ठीक है तो आंसर किसका क्या हो जाएगा बेटा ये रियल मैड्रिड ये होता है चीता प्रशांत ठीक है झुंड में तो क्या चला करते हैं सुअर चला करते हैं शेर हमेशा अकेला आता है क्यों प्रशांत आगे बढ़ेंगे पाँच जनवरी दो को उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक ने शहर में अत्याधुनिक 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 हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है बताएं चलो बेटा काजल लगाओ इसका आपने बताया था अच्छी बात है आप हो आप आप चिराग, आप चिराग चीता थोड़ी ना हो राहुल केला चलिए तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका राहुल केला हो जाएगा बढ़िया ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर ठीक है इनको सम्मान मिला कौन सा इनको कि स्टैचू कास्ट किया गया इनका वो कौन हो जाएंगी बलिडा क्लर्क आंसर क्या हो जाएगा इसका बलिडा क्लर्क राइट आंसर होगा इसका बेटा आपका बलिडा बलिंडा क्लर्क हो जाएगा बलिंडा क्लर्क बलिंडा क्लर्क राइट आगे बढ़ेंगे अगला सवाल अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सत्रह मार्च दो को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुष तक पाक जलमध्य को अंडर ट्वेंटी वन समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने तो हुज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन इन द अंडर ट्वेंटी वन ग्रुप टू स्विम अक्रॉस द पाक स्टेट फ्रॉम द तले मन्नार इन श्रीलंका टू धनुष कोड़ी इन तमिलनाडु और द सत्रह मार्च दो हजार तेईस अशोक आदित्य अशोक आदित्य अशोक संपन्ना रमेश सैलार शिव श्रीधर एंड 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 अनाहत सिंह तो ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी रमेश सेलार जी राइट गए रमेश सेलार जी हो जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर तो ये संपन्ना रमेश सेलार ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल क्वेश्चन आता है कि छः जनवरी दो को भारत के भारत के सेवेंटी नाइन्थ ग्रांड मास्टर कौन बने हैं बताएँ तो सेवेंटी नाइन्थ ग्रांड मास्टर भारत के कौन बने हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका ये आदित्य मित्तल ये हो जाएगा आपका प्राणेश एम या फिर आप जाएगा कौस्तभ चटर्जी और बी प्रणब चलो आंसर तो right हो जाएगा बी प्रणेश एम ठीक है तो राइट आंसर होगा इसका कौन सा ये हो जाएगा आपका ये प्रणेश एम हो जाएंगे ठीक है सेकंड वन इज दी राइट आंसर प्रणेश एम ठीक आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं हाँ जी प्रणेश एम हो जाएंगे भाई कौशभ जी कॉल लगा रहा है ये उत्कर्ष उपाध्याय ठीक है उत्कर्ष क्यों हो रहे हो उत्कर्ष <laughs> आगे बढ़ते हैं खेल एवं युवा मंत्रालय दस से इकतीस मार्च दो तक खेलो इंडिया दस का दम कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार हैं इस टूर्नामेंट में कुल कितने खेल खेले जाएंगे इस टूर्नामेंट में कुल कितने खेल खेले जाएंगे दुबे जी बताइए चलिए इस खेल में कितने खेल खेले जाएंगे दुबे जी दुबे जी <laughs> बताओ तो आंसर हो जाएगा इसका दस 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 आंसर हो जाएगा इसका दस हो जाएगा दस इसमें क्या हो जाएंगे खेल खेले जाएंगे ठीक है दुबे मतलब होता है दो वेदों के ज्ञानी कौन कौन से वेद पता है तुमको देखो दुबे नहीं नहीं दुबे हो दुबे मतलब एक वेद के गाने होते हैं दुबेदी मतलब दो वेद के गाने होते हैं त्रिवेदी तीन वेद के गाने होते हैं चतुर्वेदी जो होते हैं चार वेद के गाने होते हैं ठीक है ठीके? तो आपको कौन से वेद का ज्ञान है दुबे जी तो आंसर देखेंगे इधर संतोष ट्रॉफी दो का, का, का फाइनल किस टीम ने जीता संतोष ट्रॉफी का संतोष ट्रॉफी का दो का फाइनल किस टीम ने जीता बताएं तो ये कर्नाटक मेघालय पश्चिम बंगाल या फिर आपका मणिपुर आंसर क्या हो जाएगा इसका वेरी गुड आगे बढ़ेंगे आंसर आ जाएगा बेटा कर्नाटक हो जाएगा सो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ठीक है वेरी गुड आगे बढ़ेंगे चलिए नेटवर्क चला गया है नेटवर्क नहीं चला गया टावर गया टावर जाता ना गांव में तो पहले हम लोग बोलते टावर नहीं आ रहा अब टावर नहीं होता टावर कैसे आ जाएगा फ़ोन में चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है तो 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है कर्णम मल्लेश्वरी मेरी कॉम या फिर आपका मीराबाई चानू पी संधू कौन हो जाएंगे बताओ फटाफट तो किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है तो कौन हो जाएंगे मीरा चानू सी आंसर क्या होगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा मीरा भाई चानू सी आगे बढ़ेंगे अगला सवाल क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा कि नोट करेंगे कि जनवरी 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है बताएं ये जनवरी 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताएं चलो फुलटन आंसर हो जाएगा इसका फुलटन 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 क्रेग फुल्टन हो जाएंगे इनको किया गया है नए कोच के रूप में नियुक्ति की गई है आगे बढ़ेंगे अगला आग सवाल भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए तीसरे 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 टी ट्वेंटी विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है नेत्रहीनों के लिए तीसरा टी ट्वेंटी विश्व कप की बात करेंगे किस में आयोजित किया गया है चलिए बताएं तो यहाँ पर भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की बात करें तो यहाँ पर नेत्रहीनों के लिए तीसरे तीसरे टी ट्वेंटी विश्व कप का बैंड नंबर नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर टी ट्वेंटी विश्व कप किस में आयोजित किया जाएगा भारत बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका न्यूजीलैंड तो ये किया जाएगा कहाँ पर इंडिया 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 भारत ठीक है आगे बढ़ेंगे फिर आता है कि साजन साजन अच्छा साजन 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 भनवाल अंडर ट्वेंटी थ्री विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रिको रोमन की बात करेंगे वो पहलवान बने हैं चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी जगह पर स्पेन ग्रीस इटली और द बेल्जियम बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा बेल्जियम नहीं होगा स्पेन इस इसका आंसर होगा स्पेन में आयोजित किया गया था यह आंसर काजल यादव का सही है ओनली तो ओनली काजल ने आंसर ठीक दिया है बाकी सब कालिक पोत लिए चेहरे पे आगे बढ़ेंगे अगला सवाल कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी नवंबर 2022 में पांच फीफा विश्व कप में स्कोर करने वाला बन गया है भैया मेरा पूरा नाम गजेंद्र प्रताप सिंह है और आपका अमित प्रताप सिंह है क्या बात है एपीएस जीपीएस एस चलो भाई तो कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी नवंबर 2022 में पांच फीफा विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है तो ये हो जाएंगे कौन रोनाल्डो आंसर हो जाएंगे बेटा आपके ये हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला क्वेश्चन से आता है बेटा कि विश्व ब्रिड्स शतरंज चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने सॉरी म द फर्स्ट इंडियन इन हिस्ट्री टू विन द टू मेडल्स एट द वर्ल्ड बिलिज चेस चैंपियनशिप चार तरोड़ा मनु भाकर रमता जिंदल एंड द कोनेरू हम्पी तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आंसर हो जाएगा ये हमारे हम्पी साहब हम्पी साहब ठीक है ये पहले भारतीय बने हैं याद रखेंगे क्लियर चीज हाँ पहले रह चुकी हैं हम पे जी स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर एग्जैक्टली ठाकुर साहब आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि बीस नवंबर दो को इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे बन सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं यहाँ पर प्रणय शर्मा सबरी कार्तिक रणधीर सिंह एंड द निशु एलावत निशु निशु एलावत चलो 20 नवम्बर 2022 को इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे वन सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा नोट करेंगे ये हो जाएगा आपका ये प्रणय शर्मा तो ए इज द राइट आंसर प्रणय शर्मा राइट है? सारे बच्चे ए लगा रहे हैं अच्छी बात है फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब के साथ ढाई साल का अनुबंध किया है दुबई <laughs> चलिए तो यहाँ पर जाएगा कौन सा बेटा चेलसी अल्सवाब अल नसर एंड द लिवरपूल अनसार पचहत्तर सौ करोड़ ठीक है हाँ सोचा अनसार सच में आप इस्टा पे बहुत खूबसूरत लग रहे हो यहाँ पे नहीं लग रहे हो यार स्टा पे थोड़ा आदमी तैयार वैर होकर जाता है कपड़ा वपड़ा पहने हुआ और यहाँ ये टी शर्ट पहननी पड़ती है वही रोज़ टी शर्ट पहनते हो गए जब बेजती है सही बेजती वाली बात नहीं है सच्चाई है तो यहाँ पे ऐसे आ गया और सुबह अभी आया हो तो करंट बस बना रहा था ठीक है कंगा करके तो आया नहीं तो अच्छा कहाँ से लगूंगा ठीक है पहली चीज़ तो ये और यहाँ तो अब जैसा हूँ वैसा हूँ क्या कर सकता हूँ अब जो है वो है राइट चलो अभी थोड़ा बीमार भी, भी हूँ राइट है आगे बढ़ते हैं तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पंद्रह अक्टूबर दो को श्रीलंका की टीम को हरा कर ठीक है श्रीलंका की टीम को हरा कर महिला कप एशिया कप टी ट्वेंटी खिताब अपने नाम किया फाइनल मैच किस देश में आयोजित किया गया था ठीक है चलो <laughs> तो ऐसा रहता है अब देखो आज जब इंस्टा पर फोटो कौन डालता है जब आदमी बाहर जाता है तब की बात हो जाएगी ठीक है तो, तो बाहर जाता है आराम से अपना आर्मी नहाता है तैयार होता है कपड़े अच्छे बढ़िया प्रेस कर करा के पहनता है बाल बाल पे भी शैम्पू करता है थोड़ा सा वो कौन सा आता है आ, <laughs> क्या बोलते हैं उसे आ, क्ले आती है जो हेयर क्ले आती है वो हेयर क्ले वगैरह लगाओ तो बाल थोड़े फ्लफी हो जाते हैं ठीक है थीके? वो उतना करो उसके बाद फिर उसके बाद फिर क्या करो उसके बाद फिर आप उधर आओ क्या बोलते हैं <laughs> बेटा ये इसलिए कर दिया लड्डू बघेल जी ये सेशन लगा हुआ था ग्यारह से एक बताइए मैं क्या करूँ कहाँ से उड़ के जाऊँ अब मैं अपनी दो क्लोन नहीं बना सकता ठीक है आप तो तक करंट अफेयर्स कर लीजिए ये भी काम की चीज़ है ठीक है कुछ तो मजबूरियाँ होंगी सनम वरना यूँ ही कोई बेफा नहीं होता पहली चीज़ ठीक है चलिए आई डी ए पी एस टू वन ज़ीरो सिक्स आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पंद्रह अक्टूबर दो हज़ार बाईस को श्रीलंका को टीम को हराकर महिला एशिया कप टी ट्वेंटी का खिताब यहाँ पर जीता है नाम किया फाइनल मैच किस देश में आयोजित किया जाएगा चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका बांग्लादेश हो जाएगा ठीक है बांग्लादेश तो ऐसा रहता है तो हाँ कहाँ पर था मैं हाँ तो वो क्ले में लगा के बाल थोड़े बढ़िया बढ़िया करके और बढ़िया सा डी ओ वी ओ डाल के आदमी कब तब निकलता है बाहर तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में अब भाई साहब क्लास लेने के लिए पूरी रात तो पढ़ना पड़ता है फिर उसके बाद यहाँ क्लास लेनी पड़ती है ठीक है लेकिन कोशिश करूँगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल यहाँ से आता है कि अक्टूबर दो में आई एस विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की दस मीटर एयर राइफ एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं चलो तो अभिनव बिंद्रा रुद्रांश पाटिल मनु भाकर सुनील कुमार ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा आपका रुद्रांश पाटिल हो जाएगा ठीक है रुद्रांश पाटिल क्लियर है चीज़ देखो जब तक मंजिल पर ना पहुँचा जाए और जब तक किनारे पर ना पहुँचा जाए आप किसी को बेवफा नहीं बोल सकते हैं बेवफा बोलने के लिए किनारे पर पहुँचना जरूरी होता है पता लगा किनारे आते आते मिल जाएँ कुछ तो हो सकता है इसको रहने दिया करो थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखते हैं उसको हटा दीजिए छब्बीस दिसंबर दो को भोपाल में आयोजित छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप दो हजार में किसने स्वर्ण पदक जीता ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा गजेंद्र सिंह जी चलो निका जरीन साइको मीराबाई चानू मैरी कॉम एंड द मनीषा मून आंसर क्या हो जाएगा जरा बताएं तो 26 दिसंबर 2022 को भोपाल में आयोजित छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुख्यवाही चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता <laughs> तो हो जाएगा ये, ये निकट जरीन हो जाएगा निकत जरीन इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ए होगा निकट जरीन वेरी गुड आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बस 2024 ओलंपिक और पैरोल्पिक के शुभांकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया दो हज़ार चौबीस ओलंपिक और पैरोलम्पिक किसमें आयोजित किए जाएंगे पेरिस सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क या फिर क्या हो जाएगा आपका म्यूनिख चलिए तो बस 2024 ओलंपिक और पैरोल्पिक के शुभांकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया है दो ओलंपिक और पैरोल्पिक किस में आयोजित किए जाएंगे पैरिस सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क या फिर क्या हो जाएगा म्यूनिख तो राइट आंसर इसमें राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा जरा बताएँ पेरिस सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क और द म्यूनिक बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पेरिस आंसर हो जाएगा इसका बेटा आपका पेरिस हो जाएगा ए इज द राइट आंसर होगा आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि दिसंबर 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर कौन बन गया है सबसे महंगा क्रिकेटर अभी तक का सबसे महंगा क्रिकेटर अभी तक का कौन बन गया है तो कौन हो जाएगा तो सैम करन बने हैं सबसे महंगे क्रिकेटर अभी तक का आई में खरीदे गए हैं ठीक है चलिए छः महीने का हो रहा है शुभम गुप्ता जी सिक्स मंथ का करा रहा हूँ मैं सिक्स मंथ राइट आगे बढ़ेंगे दिसंबर 2022 में 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है लूसी ब्रॉन्ज एलन वाइट लिया विलियमसन एंड द वेथ मीड चलो बताएं जल्दी से बेटा क्या हो जाएगा तो दिसंबर 2022 में 2022 हजार बाईस के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है लूसी ब्रॉन्ज एलन एन वाइट लिया विलियमसन और द बेथ मीड तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इधर ये हो जाएंगे आपके बेथ मीड हो जाएंगे तो डी इज द राइट आंसर होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि आठ अक्टूबर दो को कोला लामपुर में 2022 हजार बाईस आई वी एस विश्व विश्व बिलियर्ड बिलियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है सौरभ कोठारी बिल्सन जोन्स गीत सेठी या फिर पंकज आडवाणी बताएं तो कोलामपुर में 2022 आईबीएसएफ बाईस विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है सौरभ कोठारी बिलियंस बिल्सन जोन्स गीत सेठी एंड द पंकज आडवाणी तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका ये हो जाएगा पंकज आडवाणी सो डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला आता है कि छत्तीसवें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप दो हज़ार मार्च से दो अप्रैल दो तक किस शहर में आयोजित की जाएगी तो द थर्टी सिक्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप दो हज़ार तेईस विल बी हेल्ड इन बिथ सिटी फ्रॉम द अट्ठाईस मार्च टू सेकेंड अप्रैल दो हजार तेईस मुंबई पटना न्यू दिल्ली और द चेन्नई मुंबई पटना न्यू दिल्ली एंड द चेन्नई बताएं जल्दी से फटाक से दिल्ली 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 चलिए तो आंसर हो जाएगा मुंबई पटना नई दिल्ली एंड द चेन्नई नई दिल्ली न्यू दिल्ली चलिए आगे हो जाएगा आपका कौन सा बेटा न्यू दिल्ली हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए भैया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो वहाँ पूछ लीजिएगा आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाला पहला एथलीट बन गया है ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाला आपका पहला एथलीट बन गया है रवि कुमार प्रिय सिंह उदय कांबले या फिर आपका हो जाएंगे पूजा पटेल चलिए भाई आंसर लगाए पूजा पटेल क्या बात है पूजा पटेल हो जाएंगे पूजा पटेल इज दी राइट right आंसर ठीक है अगला सवाल देखें यहाँ से बेटा कि किस देश ने नवंबर 2022 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में सात बार के सॉरी <coughs> सात बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जिन किंग कप 2022 जीता है बेल्जियम तुर्की और रूस स्विट्जरलैंड जुकाम में पढ़ाना बोलना सबसे कठिन काम होता है कंटिन्यू बोलना और कठिन हो जाता है ये पूरी नशे ना ऐसे करके ऐसा लगता है कि ये नशे जो है अभी जो है <laughs> चलो तो किस देश ने नवंबर 2022 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में सात बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार पहली बार क्या जीता है आपका बिलीजिन कप किंग 2022 जीता है तो ये बेल्जियम तुर्की रूस स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा इसमें डी स्विट्जरलैंड ठीक है सिटी ऑफ द लव बहुत ही सुंदर जगह है बहुत ही सुंदर जगह है स्विट्जरलैंड कभी मौका लगे तो जाइएगा ठीक है चलिए चलो आगे बढ़ेंगे अगला फिर चार अक्टूबर दो को ईरानी कप खिताब जीतने के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने किस टीम को हराया है बिच टीम हैज़ बिन डिफीटेड बाई द रेस्ट ऑफ इंडिया टीम टू बिन द ईरानी कप टाइटल ऑन द फोर्थ अक्टूबर दो सौराष्ट्र यूपी या फिर आपका तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल कौन सा हो जाएगा सौराष्ट्र यूपी तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा उसको बोलेंगे अपन सौराष्ट्र बोलेंगे यही आंसर होगा आगे बढ़ेंगे अगला आता है कि 19 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे तीसरे मैच के दौरान डब्ल्यू मैच में पाँच विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन बन गए हैं तो यहाँ पर बोलेंगे टॉम पेस्ट रेहान अहमद सन्नी बेकर एंड द तबरेज शमसी उन्नीस दिसंबर दो को पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे तीसरे मैच के दौरान डेब्यू मैच में पांच विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन बन गए हैं तो ये हो जाएगा आपका कौन इधर बोलेंगे रेहान अहमद तो बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रेहान अहमद आगे बढ़ेंगे दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किस खेल का पहली बार आयोजन किया गया सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज फीचर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द खेलो इंडिया वुमेंस टूर्नामेंट इन दिसंबर दो ट्रैक साइकिलिंग घुड़सवारी इवेंटिंग मैराथन तैराकी और द वाटर पोलो बताएं चलो तो दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किस <coughs> खेल का पहली बार आयोजन किया गया है ट्रैक साइकिलिंग घुड़सवारी इवेंटिंग मैराथन तैराकी और द वाटर पोलो तो आंसर में क्या हो जाएगा आपका इसको बोलेंगे ट्रैक साइक्लिंग इसका पहली बार आयोजन किया गया है ए इज़ द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे दोस्त चार सौ मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर विराट कोहली और द सुरेश रैना चार सौ मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं तो रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर या आपका विराट कोहली या सुरेश रैना तो कौन हो जाएगा चार सौ मैच खेलने वाले बने हैं शर्मा जी रोहित शर्मा ने खेले हैं ठीक है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि क्रिकेट में किस देश ने तेरह नवंबर दो को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपना दूसरा टी ट्वेंटी विश्व कप जीता है इंग्लैंड पाकिस्तान बांग्लादेश और द ऑस्ट्रेलिया चलिए तो तेरह नवंबर 2022 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपना दूसरा टी ट्वेंटी विश्व कप जीता है इंग्लैंड पाकिस्तान बांग्लादेश और द ऑस्ट्रेलिया किसे जीता है चलो बताओ बढ़िया तो उसको बोलेंगे बेटा हो जाएगा आपका इंग्लैंड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं हो जाएगा दूसरा टी ट्वेंटी विश्व कप जीता है किसने इंग्लैंड ने इंग्लैंड होगा बच्चा इंग्लैंड इंग्लैंड तो नहीं है सैम प्लेयर ऑफ द मैच चिराग चुरा समझ बता रहे हैं सैम प्लेयर ऑफ द मैच ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल तैराकी में किसने सत्रह दिसंबर दो को ऑस्ट्रेलिया में एफ ने वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 50 मीटर वेस्ट स्ट्रोक में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया चाहत अरोड़ा मनु भाकर सिमरनप्रीत कौर बराड़ या रमिता जिंदल चलिए तो तैराकी में किसने 17 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में फीना एफ आई एन ए वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप दो में महिलाओं के पचास मीटर वेस्ट स्ट्रोक में एक नया रिकॉर्ड बनाया है चाहत अरोड़ा मनु भाकर सिमरनप्रीत कौर बराड़ एंड द रमिता जिंदल हो तो जाएंगे चाहत अरोड़ा चाहत अरोड़ा ठीक है चाहत अरोड़ा वेरी गुड चाहत अरोड़ा आगे बढ़ते 19 दिसंबर 2022 को किस देश ने फीफा विश्व कप जीता है तो फीफा विश्व कप जीतने वाले कौन हो जाएंगे यहां पर ये फ्रांस अर्जेंटीना पुर्तगाल या फिर आपका हो जाएगा मोरक्को किसने जीता आपका फीफा 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 विश्व कप फीफा फीफा अर्जेंटीना अर्जेंटीना जीता है सबको पता है फीफा विश्व कप कैसे जीता है आपका ये अर्जेंटीना ने जीता है बहुत सालों के बाद ठीक आगे बढ़ेंगे अगला सवाल यहाँ से आता है बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2024 अंडर 19 पुरुषों के टी विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी बताएं चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2024 अंडर 19 पुरुषों की टी ट्वेंटी विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी पाकिस्तान जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे श्रीलंका एंड द वेस्ट इंडीज तो क्या हो जाएगा आपका श्रीलंका श्रीलंका यहाँ पर आंसर आ रहा है आप लोगों का सारे ऑप्शन लग रहे हैं तो आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका होगा श्रीलंका के द्वारा की जाएगी यहाँ पर सी इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ेंगे चलिए बता दो भाई कोई इनको काजल गर्मा बता दो बता दो आगे बढ़ेंगे दोस्त किस देश ने मुंबई के डी पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोलंबिया को हराकर 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है चलिए तो विच कंट्री हैज बंदा टू थाउजेंड फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप डिफीटिंग कोलंबिया एट द डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम इन द मुंबई ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका स्पेन इटली मिस एंड द थाईलैंड बताएं स्पेन इसरी मिस एंड द थाईलैंड राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें स्पेन स्पेन क्या होगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर ठीक है दोस्त आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए यहाँ से आता है कि चौदह दिसंबर दो को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एफ ने वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप दो में दो में तो महिलाओं के 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे 14 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया मनु भाकर सुमनप्रीत कौर बराड़ रमिता जिंदल एंड द चाहत अरोड़ा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी और सी डी सी यार देखो सी तो जो है नहीं होगा ये चाहत अरोड़ा जी हो जाएंगे तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बात आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आगे बढ़ते हैं पंद्रवीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 किस देश में नवंबर 2022 में आयोजित की जा रही है ठीक है तो पंद्रवी एशियाई एयरगन चैंपियनशिप दो किस देश में नवम्बर आपका दो में आयोजित की जा रही है चलो प्रशांत पिटने वाले काम करते हो कभी कभार चलो दक्षिण कोरिया जापान मलेशिया एंड द वियतनाम दक्षिण कोरिया जापान मलेशिया एंड द वियतनाम तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा आपका साउथ कोरिया ठीक है साउथ कोरिया ठीक है बढ़िया एक वो बना के रखा करो एक देखो क्लास का एक वो होता है एक डेकोरम होता है और एक दायरा होता है टीचर स्टूडेंट का स्टूडेंट टीचर से मजाक कर सकता है टीचर सॉरी टीचर कर सकता है स्टूडेंट नहीं कर सकता है ठीक है तो हर चीज़ का एक वो होता है लहजा होता है तरीका होता है किस पे कमेंट पास करनी है किस पे नहीं करनी है और आपस में क्या कमेंट करते हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है इज इट क्लियर प्रशांत अच्छा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आता है कि दिसंबर 2022 में फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ग्रेबियल वस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है ठीक है मैं मजाक करता हूँ मैं आपको हंसाता हूँ दैट डजेंट मीन कि आई विल टेक ऑल योर सिट राइट दिसंबर 2022 हजार में फीफा विश्व कप के इतिहास में इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा अगर गोल करने वाले गैब्रियल बसुत्ता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है चलिए तो उसको बोलेंगे क्रिस्टन रोनाल्डो देखिए मेसी ने तोड़ा है इस रिकॉर्ड को तोड़ा है किसने मेसी ने तोड़ा है तो लियोन के मेसी हो जाएंगे ठीक है सी इज़ द राइट आंसर क्लियर आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता यहां से कि निम्नलिखित में से किसे बारह दिसंबर दो को टेनिस प्रीमियर लीग दो के दो के चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया है तो निम्नलिखित में से किसी बारह दिसंबर दो को टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया है ठीक है तो उसको बोलेंगे पुणे जगवार हैदराबाद स्ट्राइकर्स मुंबई लियोन आर्मी और पंजाब टाइगर्स दिल तोड़ने वाली बात नहीं है एज अ शिक्षक एज अ टीचर दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जब अच्छे हो तो आपकी तारीफ़ करी जाए आप अगर कोई गलती करते हैं तो उस पर डांटा जाए ठीक है बुरा मान लगेगा अभी लगेगा हो सकता है एक महीने तक लगता रहे दो महीने तक लगता रहे पाँच महीने तक लगता रहे लेकिन अगर मेरे बोलने से अगर कुछ चीज़ें सुधरती हैं तो आज से छः एक साल बाद दो साल बाद या हो सकता है दस साल बाद उस चीज़ का एहसास होगा और वो चीज़ रिलाइज़ भी होगी ठीक है तो समाइम्स कुछ चीज़ें हमें बुरी लगती हैं बड़ों की लेकिन वक्त रहते हुए कोई चीज़ों का एहसास हो जाता है तुरंत बुरा लग सकता है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा है लगना भी चाहिए बोला भी इसीलिए गया है कि बुरा लगे ठीक है अच्छा लगाने लिए थोड़ी ने बोला है तो पूरे जगवार हैदराबाद हैदराबाद स्ट्राइकर्स मुंबई लियोन आर्मी या फिर बोलेंगे इसका पंजाब टाइगर्स तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका हैदराबाद स्ट्राइकर्स ठीक है चलिए हैदराबाद स्ट्राइकर्स आगे बढ़ेंगे अगला सवाल अगला क्वेश्चन आता है कि 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप के फाइनल मैच के दौरान दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसने किया आलिया भट्ट अनुष्का शर्मा करीना कपूर और दीपिका पादुकोण राइट है तो आलिया भट्ट अनुष्का शर्मा करीना कपूर दीपिका पादुकोण चलो आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण हो जाएगा राइट दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्लियर आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि दो दिसंबर दो को पैंसठवीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता तो यहाँ पर देखेंगे हु वन द डबल गोल्ड एट द सिक्सटी फिफ्थ नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप ऑन द दो दिसंबर 2022 चिराग सेट्टी या फिर आपका सर्वजोत सिंह सागर डांगी या फिर आपका हो जाएगा डीपी मनु चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा जरा बताएं राइट आंसर क्या होगा बढ़िया देखो दो दिसंबर 2022 को पैंसठवीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जिसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है तो वो हो जाएंगे आपके कौन ये हो जाएंगे आपके सरबजोत सिंह हो जाएंगे सो बी आंसर क्या होगा इसका राइट हो जाएगा सरबज्योत सिंह ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी दो जीती है बताओ प्रशांत आंसर दो कहाँ गया भाई सो गया क्या ये तो इधर देखेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी दो जीती है वेरी गुड तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा सौराष्ट्र बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे किसने किसने आंसर दिया ये ये काजल प्रशांत श्वेता एंड एंड जिंदाल साहब और काजल चिराग चुदासामा विशाल सब ने दिया आंसर तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है देखा जाए तो राइट आगे देखेंगे किस देश की स्टेफनी फ्रोफाट दो दिसंबर 2022 को पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला होंगी तो फुटबॉल मैच में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन हो जाएंगी कहाँ से बिलोंग करेंगी ये जिनका नाम है स्टेफनी फ्रापार्ट दो दिसंबर 2022 को यह पहली महिला रेफरी बनी थी फ्रांस जर्मनी <coughs> पोलैंड या फिर इटली तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका फ्रांस होगा जर्मनी नहीं होगा तो फ्रांस प्रशांत ध्यान से सी दिया है अंजू कालिया अंजू अच्छा कालिया नहीं अंजू कज, कज कजला अच्छा कजला मुझे कह रहा कालिया तो आंसर हो जाएगा फ्रांस राइट आगे बढ़ेंगे पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है चलिए <laughs> बताइए ठाकुर साहब पाँच सर क्या हो जाएगा पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है अमृत भारत स्टेशन योजना या फिर आपका स्वच्छ भारत स्टेशन योजना नव भारत स्टेशन योजना और नव भारत स्टेशन आधुनिक भारत स्टेशन योजना कौन सी योजना हो जाएगी वेरी गुड सबने सही दिया है काजल प्रशांत का जिंदाल तान्या उपाध्याय और विशाल मौर्या अमृत वेरी गुड आंसर हो जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम हो जाएगा फर्स्ट वन इज दी राइट आगे बढ़ेंगे इधर केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री कौशल का काम कार्यकार पी केके के के जो हुआ करता था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है पीएम विकास किया है पीएम मानस किया है पीएम उन्नति किया है या फिर आपका पीएम रोशनी किया है रोशनी चलिए बताए बीके विकास विकास हो जाएगा राइट पीएम विकास हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक आगे बढ़ेंगे दोस्त निम्नलिखित में से किसने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना शुरू की है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना शुरू की है कहाँ पर बैठा गुजरात के गांधीनगर में ये पीएम नरेंद्र मोदी हो जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे या मंत्री अमित शाह हो जाएंगे राइट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से किसने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना शुरू की है तो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जनदीप धक्खड़ गृह मंत्री, द्य। मंत्री अमित शाह तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से आपका ये ये पीएम नरेंद्र मोदी हो जाएंगे फर्स्ट वन इज़ दी राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ेंगे इधर फिर आता है कि ये तो छोड़ दीजिए पढ़ नहीं पाओगे इसको हटा दीजिए बड़ा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन जाएगा इस स्टेट ने क्या किया है कि दिव्यांग जो होते हैं यानी कि जो चलिए बताएं फटाक से जल्दी से बढ़िया तो आंसर जाएगा महाराष्ट्र पेपर कैसा हुआ मैं गया नहीं देने आंसर हो जाएगा इसका आपका महाराष्ट्र फर्स्ट वन इज द राइट आंसर ठीक आगे बढ़ेंगे इधर इसको हटा दीजिए नहीं दिखाई नहीं देगा जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपेगी कुछ स्मारक हैं उन पर निजी क्षेत्रों को सौंपेगी प्राइवेट सेक्टरों को वो टिकटिंग वगैरह करेंगे देख देखने के लिए अपने हिसाब से रखेंगे वो सही भी है ये स्मारक जो है जो भी हाईटे साइड वगैरह है इनको दे देना चाहिए मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस रहेगा सही रहेंगे सरकारी में आते हुए सरकारी लोग जो रहते हैं वो कहाँ मेंटेनेंस कराते हैं नहीं करा पाएंगे तो करीब 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 एक हज़ार के आसपास जो स्मारक हो जाएंगे उनको रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी यानी कि प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा ये ठीक है आगे बढ़ेंगे फिर मंत्रिमंडल ने रुपये डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है अठारह करोड़ तेईस करोड़ छब्बीस करोड़ या फिर आपका तीन करोड़ तो मंत्रिमंडल ने रुपये डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम व्यूपीआई लेन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है छब्बीस सौ तेईस सौ आंसर हो जाएगा इसका बेटा आपका ये छब्बीस सौ करोड़ हो जाएगा और छब्बीस सौ करोड़ देने वाले आंसर हो जाएंगे यहाँ पर जिंदाल मौर्य जी और दुबे जी और कौन कौन है शाक्या जी और सहनी जी चलिए इन लोगों ने सही आंसर दिया है बढ़िया आगे देखेंगे दोस्त केंद्र ने एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किया है और योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू किया गया था तो यह जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया इसका नाम तो यहां पर कौन सा होगा जरा बताएं और कब से किया गया जनवरी 2023 वेरी गुड प्रशांत प्रशांत ने बिल्कुल सही बताया एक जनवरी 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया है इस सामग्री का नाम क्या हो जाएगा मेडिकल बॉक्स जादुई पुस्तक जादुई पिटारा या फिर जादुई खजाना इन में से कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब चलो बताओ जादुई पिटारा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा आपका ये हो जाएगा जादुई पिटारा हो जाएगा सी आंसर क्या होगा राइट हो जाएगा जादुई पिटारा ठीक है जादू पटारा इज द राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगला सवाल यहां से आता है कि कितने करोड़ रुपए से अधिक की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द नेटवर्क डेवलपमेंट विंड योजना शुरू की गई है द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द नेटवर्क डेवलपमेंट विंड स्कीम वर्थ ओवर हाउ मेनी करोर्स हैज बीन लॉन्च तो हो जाएगा आपका दो हजार करोड़ हो जाएगा पच्चीस सौ करोड़ हो जाएगा तीन हजार करोड़ हो जाएगा एंड द पैंतीस सौ करोड़ भी हो जाएगा ठीक है बताओ तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका पच्चीस सौ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पच्चीस हज़ार आंसर जाके बेटा पच्चीस सौ करोड़ होगा पच्चीस हज़ार नहीं है पच्चीस हज़ार तो ऑप्शन में ही नहीं है तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड करोर्स ठीक है ठाकुर साहब थर्टी फाइव नहीं होगा ट्वेंटी फाइव होगा राइट है आगे बढ़ेंगे इधर केंद्रीय वित्त मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष दो हज़ार बाईस छब्बीस के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है कार्यक्रम के पहले चरण में कितने गाँव को लिया जाएगा तो छः सौ पचास पाँच सौ तिहत्तर पाँच सौ तिरसठ छः सौ तिरसठ यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष दो हज़ार दो हज़ार बाईस छब्बीस के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है कार्यक्रम के पहले चरण में कितने गाँव को लिया जाएगा तो ये हो जाएंगे कितने बेटा आपके ये छः सौ तिरसठ गाँव हो जाएंगे सो डी आंसर क्या होगा इसका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इधर ये चलिए इसको जो एक जनवरी दो हज़ार तेईस को एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की नई योजना दो हज़ार तेईस में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एन एफ एस ए के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी पैंसठ करोड़ बहत्तर करोड़ इक्यासी करोड़ और दा तिरानवे करोड़ तो पैंसठ बहत्तर इक्यासी और द तिरानवे तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ये एट्टी वन करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्यासी करोड़ रुपए के लिए ठीक है आगे बढ़ेंगे इसी के साथ तो किस मंत्रालय ने डिजी क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है तो बिच मिनिस्ट्री लॉन्च द डिजी क्लेम मॉड्यूल चलिए डिजी क्लेम मॉड्यूल की बात करेंगे लॉन्च किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय या फिर आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर आपका हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर की बात करेंगे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ़ द पावर तो यहाँ पर डी क्लेम की बात करेंगे डी क्लेम जो मॉड्यूल है उसको एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए अच्छा तो आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ़ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स तो डी आंसर क्या होगा इसका राइट हो जाएगा ठीक है वेरी गुड किसने किसने दिया है ये आंसर ये दिया है उत्कर्ष उपाध्याय ने विशाल मौर्या काजल यादव एंड श्वेता सिंह आगे बढ़ेंगे इधर पीएम मित्र योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप अंडर पीएम मित्र स्कीम पांच सात नौ बारह पांच सात नौ बारह बताएं जल्दी से चलिए बताएं जल्दी से सात इज राइट आंसर हो जाएगा इसका सात हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे भारत ने दुनिया का पहला बॉन्स बैरियर स्थापित किया स्थापित किया गया था इंडिया <coughs> फर्स्ट बैम्बू बैरियर तो बैम्बू बैरियर जो बनाया गया है वो इंस्टॉल किया गया है बैम्बू मतलब बांस हो जाएगा चलिए बताए जल्दी से महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा बेटा इसका विदर्भ और विदर्भ कहाँ पड़ेगा ये पहला बांस बैरियर स्थापित किया गया ये कहाँ स्थापित किया गया था विदर्भ विदर्भ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ठीक है विदर्भ आगे बढ़ेंगे कौन सी आर्थिक सर्वेक्षण दो हज़ार के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दो हजार में कितने परसेंट बढ़ेगी चलिए तो एज तो 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 पर द इकोनॉमिक सर्वे दो हज़ार बाईस तेईस इकोनॉमी विल ग्रो बाई हाउ मच परसेंट इन द दो हज़ार तेईस चौबीस सात सिक्स पॉइंट फाइव छः एंड द फाइव पॉइंट Five. चलिए आधी सर्वेक्षण दो हजार बाईस के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दो हजार तेईस चौबीस में कितने परसेंट बढ़ेगी सात सिक्स छ फाइव पॉइंट फाइव तो आंसर क्या हो जाएगा यह सिक्स पॉइंट फाइव हो जाएगा ठीक है सिक्स पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा क्लियर यह चीज चलो आगे बढ़ेंगे दोस्त सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ऐप का नाम क्या हो जाएगा सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए क्या किया है एक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ऐप का नाम क्या हो जाएगा खान प्रहरी खनन रक्षक या फिर आपका खान रक्षक या खनन प्रहरी तो खनन प्रहरी प्रहरी मतलब क्या होता है उसका उसका एक तरीके से गतिविधियों की नज़र रखना हो जाएगा प्रहरी ठीक है प्रहरी बोलते थे ये पुराना वर्ड है और ये हिंदी के वर्ड्स जो पुराने वाले हैं ये यूज किया जाता है ठीक आगे बढ़ेंगे चलो आगे बढ़ेंगे सर एज पर द टू थाउजेंड ट्वेंटी इन यूनियन बजट द पीएम विकास स्कीम टू बी लॉन्च विल बी टारगेटेड टुवार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शुरू की जाने वाली पीएम विकास योजना निम्नलिखित में से किसके लिए लक्षित होगी उच्च शिक्षा एनिमिक महिलाएं किसान एंड द पारंपरिक कारीगर चलो तो हायर एजुकेशन एनिमिया वुमेन फार्मर्स ट्रेडिशनल आर्टिसंस इसमें देखेंगे उच्च शिक्षा एनीमिक महिलाएं किसान एंड द पारंपरिक कारीगर तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ट्रेडिशनल आर्टिसंस हो जाएंगे यहाँ पर ये पारंपरिक कारीगर हो जाएंगे जिसमें आपका पीएम विकास योजना के तहत इसको इसको लक्षित किया गया है याद रखेंगे हाई एजुकेशन नहीं होगा जो जो टोटल आर्टिसंस होते हैं पारंपरिक कारीगर होते हैं वो ठीक है आगे देखेंगे किसने क्रिक पे नामक क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया है तो हु लॉन्च अ क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप कॉल्ड क्रिक पे पीयूष बंसल अनुपम मित्तल विनीता सिंह एंड द असनील ग्रोवर तो ये आप क्रिक पे की बात करेंगे क्रिक पे नामक केंद्रित सॉरी क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया है तो कौन आ जाएंगे ये हो जाएगा आंसर इसका असनील ग्रोवर इन्होंने पहले भारत पे बनाया था भारत पे के बाद फिर उससे वो बाहर हो गए ठीक है ठीक है आगे बढ़ेंगे चलो एक सेकंड रुकेंगे बेटा थोड़ा सा चलो भारत पेपर बीस कोड का क्लेम किए हैं हाँ आंसर हो जाएगा भारत को श्री अन्ना के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा यह संस्थान कहाँ स्थित है तो ये जो आप, जो आपका प्रधानमंत्री पोषण योजना है इसके तहत अभी क्या होता था चावल गेहूँ बांटे जाते थे लेकिन बाजरा जो है बहुत ही पौष्टिक है इसमें विटामिनस भी पाए जाती हैं इसके साथ साथ में फॉलिक एसिड होता है और प्रोटीन भी होती है इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है हो सकता है कि आगे इंट्रोड्यूस करें जो अन्य योजना वगैरह है उसे बाजरा को इंट्रोड्यूस करें ठीक है प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत तो यहां पर ये यह जो बोला गया संस्थान की बात की गई है स्थापित किया गया है हैदराबाद में किया गया है कहां पर हैदराबाद ठीक है तो आंसर विद्याचर ठाकुर का सही है ओनली बाकी सबका क्या है गलत है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि 22 मार्च 2023 को किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया है चलो मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी तो आंसर हो जाएगा आपका ये नरेंद्र मोदी हो जाएगा ये बी आंसर क्या होगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा बी ठीक है मोदी जी हो जाएगा इसका राइट आंसर मोदी जी हो जाएंगे जहाँ देखो मोदी जी फिर बजट अनुमान दो हजार में कुल व्यय का अनुमान कितना हो जाएगा बजट व्यय बजट अनुमान दो हजार तेईस बजट जो एस्टिमेट होता है इसमें आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितने अनुमान है जरा बताइए जो एक्सपेंडिचर होगा यानी कि पैंतालीस पॉइंट थ्री लाख करोड़ तैतालीस दशमलव जीरो पांच लाख करोड़ ठीक तो है फिर छियालीस पॉइंट फाइव लाख करोड़ बताए चलिए तो बजट अनुमान दो हजार तेईस चौबीस में कुल बेग का अनुमान कितना हो जाएगा पैंतालीस पॉइंट जीरो तीन लाख करोड़ तैंतालीस पॉइंट जीरो फाइव लाख करोड़ तैंतालीस पॉइंट जीरो फाइव लाख करोड़ कितना तो फोर्टी सेवन पॉइंट जीरो फाइव लाख करोड़ जाएगा इसका राइट right आंसर तो फोर्टी फोर्टी फोर फोर्टी फाइव पॉइंट फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो फाइव लाख करोड़ होगा पैंतालीस दशमलव जीरो तीन लाख करोड़ इतना जो है बजट का टोटल एक्सपेंडिचर का अनुमान हो जाएगा फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो फ़ाइव करोड़ के आसपास ठीक है सारे ऑप्शन दे दिए आप लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है ये आंसर राइट होगा इसका आगे देखेंगे कि इसको बड़ा सवाल है ये दिखेगा नहीं आप लोगों को हाँ छोटा कितना छोटा छोटा दिया इन लोगों ने यार इस बार टाइप करके आगे देखेंगे इसको बताता हूं केंद्रीय वित्त मंत्री ने मिस्टी के लॉन्च की घोषणा की है मिस्टी के शोर केंद्रित है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ द मिस्टी मिस्टी इज फोकस टू वर्ड्स मिस्टी की बात करेंगे तो मिस्टी की है हाँ पीडीएफ दे दूंगा डोंट वरी अबाउट इट पी मिल जाएगी ठीक है तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने मिस्टी के लॉन्च की घोषणा की है मिस्टी के शोर केंद्रित हो जाएगा मिस्टी एक मैंग्रो वृक्षारोपण है ई गवर्नेंस है मिस्टी या फिर मनरेगा श्रमिकों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन हो जाएगा मिस्टी या फिर एस के लिए योजना हो जाएगी तो मैंग्रोव वृक्षारोपण लगाए जाने के लिए कराया गया मिस्टी कराया गया क्योंकि जो बंगाल वगैरह एरिया पड़ेगा उड़ीसा वगैरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं जो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो साइक्लोन होते हैं उनको जो रोकने की जो जिम्मेदारी होती है जो काम है वो कौन करता है मैंग्रोव बन करते हैं जो भी समुद्र की तरफ से आती हैं जो भी हवाए या साइक्लोन वगैरह आते हैं वो ठीक है तो इस वजह से वो मैंग्रोव पन काफ़ी ठीक होते हैं इसके अलावा वहाँ पर हैबिटेट के लिए वहाँ भी खत्म हो रहा है तो इसलिए उसको बेब को भी रोकते हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर और रॉयल बंगाल टाइगर भी धीरी पाया जाता है तो इस वजह से इसको चलाने की बात आती है ठीक है आगे बढ़ेंगे वहाँ तो बना रहता है कुछ ना कुछ चिराग ठीक आगे देखेंगे पी एम प्रणाम विल बी लॉन्च एज़ पर द यूनियन बजट अनाउंसमेंट वाट इज दिस अबाउट तो पी एम प्रणाम की बात करेंगे केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार इसको लॉन्च किया जाएगा या किसके बारे में हो जाएगा ये इम्प्रूविंग द कल्चरल टाइज विद द न्यवर्स प्रोमोटिंग योगा एंड आयुर्वेदा प्रोमोटिंग बैलेंस यूज ऑफ द केमिकल एंड द अवेयरनेस टू द एनवायरमेंट पर्यावरण के प्रति जागरूकता तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी केमिकल फर्टिलाइजर्स आंसर हो जाएगा कि प्रोमोटिंग बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स क्यों कैसा किया जा रहा है क्योंकि खेती को नुकसान हो रही है सॉयल की जो जो प्रोडक्टिविटी है जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है केमिकल डाल डाल के तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ठीक है थीके? आगे बढ़ेंगे चलिए अगला सवाल आता है बेटा यहाँ से कि बजट के अनुसार भारत श्री की स्थापना की जाएगी यह किस बारे में है एज पर बजट भारत श्री बिलबीज सेटअप व्हाट इज इट अबाउट बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण या फिर आपका फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम या फिर आपका स्किल इंडिया के तहत कार्यक्रम एज पर द बजट भारत श्री बिलबीज सेटअप व्हाट इज इट अबाउट बजट के अनुसार भारत श्री की स्थापना की जाएगी और यह किस बारे में है चलो किस बारे में है तो का सी सी लगा रहे <laughs> तो ये भारत श्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल ऑफ द एंसेंट इंस्क्रिप्स तो ये जो प्राचीन जो शिलालेख हो जाएंगे इनका दृष्टिकरण किया जाएगा डेटा रखा राय जाएगा रख रखाव के लिए भी मेंटेनेंस के लिए भी और की भी आ तरफ से ठीक है बराज की धरती खुश रहिए संदीप जी ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि द गवर्नमेंट हैज हैजनाउंस टू लॉन्च अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनिमिया वट इज द टारगेट ईयर एज पर द अनाउंसमेंट तो जो सिकल सेल एनेमिया होती है इसको खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है और घोषणा के अनुसार लक्षित वर्ष किया है कब तक ये सिकल सेल को खत्म कर देंगे दो ठीक है टू हो जाएंगे टू ठीक है कैसे हैं देख के कैसा लग रहा हूं चलिए आगे देखेंगे इधर केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट के लिए सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है इन प्राथमिकताओं को सामूहिक रूप से क्या नाम दिया गया है सप्तऋषि या फिर आपका हो जाएगा सतपथ सात अजूबे या आपका हो जाएगा सप्त मंत्र बताओ ना सर इतना स्कीम है कितना सक्सेसफुल हो पाता होगा यार ये गवर्नमेंट है अब जैसे वही है कि एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि यार बीरबल इतना पैसा खर्च करते हैं और ये जो पैसा है अब जनता तक पहुंचता नहीं है क्यों नहीं पहुंचता है तो बीरबल ने कहा कि सर बताएंगे आपको तो क्या हुआ कि बालू जो थी बालू थी तो बालू करके ऐसे करके उन्होंने क्या किया बालू या बर्फ़ करके घुसता बर्फ़ ही ले लीजिए तो एक आदमी हाथ में रखा कि इतना बर्फ़ आप ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे हाथ में गया तीसरे हाथ में गया चौथे हाथ में गया पाँचवें हाथ में गया छठे हाथ में गया तो जाते जाते जब वो आखिरी स्टेज तक पहुँचा तो वो आधा हो गया तो अकबर ने पूछा कि बीरबल ये कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि जो भी चीज़ें ऊपर से चलती है ये नेचुरल है कि थोड़ा बहुत उसमें जो है खपता खपता पहुंचता है और सरकारी नौकरी जो इतना ज़्यादा लोग लालायत हैं और इतना ज़्यादा लोग दहेज दे देते हैं सरकारी नौकरी के नाम पर क्यों दे देते हैं मैं सच बता रहा हूँ सिस्टम ही ऐसा है फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं कुछ ना कुछ रहता ही रहता है आप जैसे उसमें चले जाइए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चले जाइए या फिर आपका जितने भी रोड बनते हैं कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंगें बनती हैं सब बनती हैं तो आदमी ना खाते हुए ईमानदारी का ही दस परसेंट ले जाता है भाई वो ईमानदार रहेगा तो ही उसका पाँच दस परसेंट जो होता है वो फिक्स रहता है ऐसे करके रहता है और ये ये सच्चाई है ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ बाँ होती है उसके अलावा फिर क्या नाम है और जगहों पर भी होती है ठीक है और ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो करता हो ये लोग ही हैं जो लोग जो करते हैं थोड़ा बहुत बीच में स्कोप ढूंढते हैं कुछ ना कुछ जो पैसा इधर उधर होता है तो वो इसी वजह से होता है ठीक है अब योजना जितनी भी चलती हैं ठीक है थीके? नहीं आइस नहीं तबीयत मैं, मैंने तबीयत मैंने बालू यूज किया था चिराग चौदा सामा इज़ आइस एग्जिस्ट इन द आगवर दरबार मुझे पता था दिमाग लगाओगे तो इसलिए मैंने बालू का ऑप्शन लिया था मैंने सोच लिया था वो चीज़ जो आप अब सोच रहे हो पहली चीज़ तो ये जो है याद रखेंगे तो तो पहली चीज़ यहाँ पे याद याद रहना तो ऐसा रहता है जब कोई भी स्कीम चलती है ऊपर से तो ऑबीस बात है कि पहले मंत्री से फिर नीचे आएगी सेक्रेटरी से आएगी सेक्रेटरी से फिर नीचे आएगी फिर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ दुकान वाले होंगे सब होंगे वहाँ पर ठीक है मैं आपको यह कहानी बताता हूँ एक मैं मैं मैथ सेक्रेटरी हुआ करता था कॉलेज में तो मैं मैथ सेक्रेटरी बना जब मैथ सेक्रेटरी बना तो हमारे जो मैथ का खाना था वो इतना गंदा था इतना गंदा था कि वो खाना जो है लोग खाते नहीं थे और लोग बाहर चले जाते थे मैंने कहा ठीक है देखते हैं क्या हुआ तो फिर मैंने क्या को एक महीना कुछ नहीं बोला सारी चीज़ें जो ऑब्जर्व की तो आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द इन द कॉलेज और काफ़ी काफ़ी बड़ा अमाउंट था तो वहाँ पे पूरा पैसे वैसे होते थे तो मुझे ही साइन करके निकालने होते थे ठीक है तो देखा मैंने नोटिस किया तो ये जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे ये मैनेजर्स क्या करते थे सामान मंगाते थे कि तो दुकानें जो थी बंदी हुई थी तो मैंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जो दुकानें हैं वो सारी क्या हो जाएंगी चे चेंज होंगी अब अदल बदल हो जाएगी मैं जो दुकान से बोलूँगा वहाँ से आएगा तो पहले मैं दुकानों पर गया ऐसे बन के गया डायरेक्टी नहीं पूछा मैंने कहा एक मैच ओपन हुआ इस कॉलेज से मैं हूँ मुझे आपके यहाँ राशन चाहिए ठीक है हमारी भाई बोल रहे हैं कि जब तक हम नौकरी नहीं तब तक तुमसे हमको इंटरेस्ट नहीं है अरे उसे बाहर निकलिए यार संदीप संदीप कुमार संदीप कहाँ उलझे हुए हैं तो अब देखो इसमें क्या हुआ नोट करना तो जब वहाँ पहुँचा तो पता है क्या यार दस परसेंट वो बांध के देते जितना बिल देंगे उस बिल पे जो है दस परसेंट के हिसाब से टेन परसेंट जो है वो कमीशन था उस पर टेन परसेंट के आसपास मैंने कहा ठीक है अब सोचो कि महीने में जो परचेजिंग होती थी वो करीब करीब दस से पंद्रह लाख की परचेजिंग होती थी दस लाख का परचेजिंग होता था महीने में महीने में तो दस लाख अगर दस परसेंट मैनेजर खा रहा है तो महीने में कितना हो गया एक लाख हो गया एक लाख के आसपास तो मैंने कहा ठीक है तुम इसी रेट पे बिल बनाओ कोई दिक्कत नहीं है एक लाख रुपये जो है मैंने एक फंड बनाया वहाँ पर वो फंड में डाला उसका स्टूडेंट वेलफेयर नाम का फंड बनाया तो सब चेंज किया मैनेजर काफ़ी दुख दुखी हो गए बहुत ज़्यादा कुछ बदवाएँ भी लगी होंगी कोई दिक्कत नहीं है जो पैसा वहाँ से मंथली एक लाख आता था उसको फ़ंड में डाला उसके बाद वहाँ पे बहुत तो ये करीब कोई बारह पंद्रह लाख रुपए के आसपास इकट्ठा हुआ एक साल में जब इकट्ठा हुआ तो पता है मैंने उसका क्या करवाया एक पूरे हॉस्टल में एक एक गेस्ट रूम बनवाया पेरेंट्स के लिए एक ए लगवाई उसके अलावा जो भी वहाँ पर पुराने पंखे थे वो बदले वॉशरूम का रिनोवेशन करवाया पार्क बनवाया स्टडी रूम बनवाया ये सब करवा दिया मैंने वहाँ पर सिर्फ विदाउट एक भी पैसा कॉलेज से अप्रूव कराए हुए और बाद में फिर वो बैठा मेरे ऊपर कमेटी बैठी कमेटी बैठी कुछ निकला ही नहीं कुछ नहीं निकला पंखे पुराने वाले थे पुराने जमाने के जो बड़े बड़े पंखे होते थे गवर्नमेंट उसमें वो लगे हुए थे तो वो पंखा मैंने सारा कबाड़ा में बेच दिया तीन सौ रुपये के हिसाब से पंखा गया और बाकी पैसा लगा के नया पंखा लगवा दिया तो ये सब हुआ बाद में फिर बी ने बुलाया था मुझे मीटिंग के लिए वाइस चांसलर ने कि हाउ डिड यू डू दैट <laughs> तो फिर बी के साथ बैठ के मीटिंग हुई पूरी प्लानिंग बताई ऐसे ऐसे इतना इतना पैसा खाया जा रहा है और ये पैसा लूप होल से निकला हुआ पैसा जिसका रजिस्टर में आप पाओगे नहीं चाहता तो मैं पूरा वो दस बारह लाख रुपए रख सकता था बढ़िया एक बाइक वाइक ख़रीदता अकाउंट में डालता लेकिन ये गवाह हूँ सारे सारे एक भी रुपया उसमें नहीं खाया हाँ चाय पीता था एक शाम को आधा लीटर दूध की बनवा के कि वो चाय पीनी है ठीक है हाँ यूनिवर्सिटी के बी सी वाइस चांसलर उन्होंने बुलाया था एंड हर संडे को बुलाते थे वो मीटिंग करते थे और मेरे साथ में कि ऐसा ऐसा है क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए कुछ उनको मैं आइडियाज़ देता था वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट भी कर देते थे राइट तो ऐसा था ठीक है तो ऐसी चीज़ें थी एक बार तो आइडिया बोला कि क्या करना चाहिए मैंने कहा जितने भी आपके जो हैड्स हैं एक कई सालों से एक जगह बैठे हुए हैं सब चेंज कर दो तो आप बिलीव नहीं मानोगे कि दो दिन के बाद एक न्यूज़पेपर में आया हम लोग उसमें थे नोवेल्टी में बैठे मूवी देख रहे थे तो अभी तब बीसी का फोन आया था कि ऐसा ऐसा है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ राइट है मैंने कहा बहुत बढ़िया रहेगा बोल दिया आइडिया भी हम ही दे के आए थे फिर न्यूज़पेपर में आया बाद में कि सब कुछ चेंज हो गया है तो ये बात हम लोगों ने दवाई खैर तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट के लिए सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया गया इन प्राथमिकताओं को सामूहिक रूप से क्या नाम दिया गया है तो आंसर हो जाएगा इसका ये सप्तऋषि हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर सप्तऋषि ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल अगला क्वेश्चन आता है बेटा नोट करेंगे यहाँ से कि केंद्रीय वित्तीय मंत्री के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाती है व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया एज पर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री 1.97 लाख या 1.67 लाख 2.12 लाख या फिर आपका 2.02 लाख तो आंसर कितना हो जाएगा 1.67 लाख सॉरी वॉइट लाख वन लाख इसका आंसर वन पॉइंट सेवन तो वन लाख होगा ठीक है याद रखेंगे यू आर आर नाइस एटेड दिल कोई नहीं देखता बेटा आजकल आगे देखेंगे सर केंद्रीय बजट के अनुसार नई कर व्यवस्था कितनी राशि तक आयकर छूट प्रदान करेगी अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट द न्यू टैक्स रिजाइम विल प्रोवाइड एन इनकम टैक्स रिवेट अप टू वॉट अमाउंट एक अमाउंट तक होता है लगभग अगर सात लाख तक आई थिंक तो सात लाख तक आपको क्या मिलेगी रिवेट मिलेगी इस पर कोई भी आपको इनकम टैक्स आपने नहीं देना पड़ेगा बहुत अच्छा है जितने भी आपके जो मीडियम फैमिलीज uh, वाले हैं जो पाँच लाख चालीस हज़ार पचास जन की सैलरी है उनको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा कितनी अच्छी बात है इवन आप साठ हज़ार तक सैलरी अगर आपकी है मंथली तो आपको उससे टैक्स नहीं देना है बहुत अच्छी बात है ये ठीक है लेकिन मुझे देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा आगे बढ़ेंगे जनवरी 2023 में जनवरी 2023 में हेन सुमाकर को निम्नलिखित में से किस कंपनी के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है तो ये हो जाएगा आपका प्रॉक्टर एंड द गैम्बल हैंकल यूनि ठीक है नेस्ले हाँ जाता है साल में चार पाँच लाख तो चला जाता है चलिए तो आंसर हो जाएगा प्रोक्टर एंड द गैम्बल हैंकल एंड द चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा आंसर हो जाएगा आपका ये ये हो जाएगा आपका लेबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर होगा ठीक है यूनि आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फिर आता है कि आता है कि चौबीस फरवरी दो हजार तेईस को महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन के रूप में किसने पदभार संभाला है तो हु टूक ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस ऑन चौबीस फरवरी आपका दो हजार तेईस तो हो जाएगा राजीव रघुवंशी के सत्यनारायण राजू आर एस रीन या बी रामचंद्र बताए तो आंसर हो जाएगा इसका आर एस रीन ओहो तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा ये आर एस रीन सी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आते हैं बेटा यहाँ से कि नोट करेंगे इधर कि 2024 से 2027 तक चार साल के कार्यकाल के लिए जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आयलओ के भारी लेखा परीक्षक के रूप में कैसे चुना, तो चुना गया है तो दो हजार चौबीस और दो हजार तक चार साल के कार्यकाल के लिए जिनेवा में श्रम संगठन परीक्षा के लेखा परीक्षक के रूप में कैसे चुना गया है तो हो जाएगा आपका सत्यपाल मलिक गिरीश चंद्र मुर्मू यशमं आपका क्या हो जाएगा सिन्हा आरिफ मोहम्मद चले बताए जल्दी से तो हो जाएगा बेटा कौन सा ये हो जाएगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू यानी कि जी मुर्मू जी हो जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बी पी सी के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हु हैज बिन अपॉइंटेड एट द सी एम डी ऑफ द भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बी पी सी एल जरा बताएं तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बी पी सी एल के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है गुरदीप सिंह के श्रीकांत या आपका हो जाएगा आपका आपका जे कृष्ण कुमार एंड द बाइके चौबे चलिए बताएं तो क्या हो जाएगा आपका गुरुदीप सिंह के श्रीकांत जी कृष्ण कुमार एंड द के दौबे राइट आंसर क्या होगा इसका जी कृष्ण कुमार राइट तो आंसर होगा इसका जी कृष्ण कुमार इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे अगला आता है कि जनवरी 2023 में गुजरात मेरी क्लस्टर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में केस नियुक्त किया गया है तो अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द गुजरात मेरी क्लस्टर इन द जनवरी दो तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन ये नरेश लालवानी भरत भास्कर या फिर आपका सिद्धार्थ सीमेंट और द माधवेंद्र सिंह बताएं तो जनवरी 2023 में गुजरात मेरी क्लस्टर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है नरेश लालवानी भारत भास्कर सिद्धार्थ सीमेंट और द माधवेंद्र सिंह तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा आपका ये हो जाएगा माधवेंद्र सिंह फोर्थ वन इज द राइट right. ठीक है आगे बढ़ेंगे इधर न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने तेईस फरवरी दो को किस राज्य के चौबीसवें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है तो जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैज बिन सोर्न इन एज द ट्वेंटी फोर्थ गवर्नर ऑफ द बिच स्टेट ऑन द तेईस फरवरी दो हजार तेईस आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ या फिर मणिपुर चलिए आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र 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 प्रदेश ठीक है आंध्र प्रदेश जो है अभी नई अपनी क्या बनाने जा रहा है नई अपनी कैपिटल भी चेंज कर रहा है या कौन सी कैपिटल बनाने जा रहा है आंध्र प्रदेश जो तो न्यू कैप्टन होगी आंध्र प्रदेश की वो कौन सी होगी द न्यू कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश विल बी <coughs> बता जल्दी से बेटा आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल की कौन सी हो जाएगी विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम वेरी गुड विशाखापट्टनम चलो आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट आता है कि जनवरी 2023 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एन एम डी सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है हम लोग डेढ़ सौ सवाल कर लिए हैं इसीलिए स्पीड में पकड़ा हुआ था मैं जानबूझ के स्पीड पकड़नी पड़ती है क्योंकि दो घंटे में फिर आपको सवाल करने तो सवाल ही सवाल करने पड़ेंगे राइट निखत जरीन वेरी गुड निखत जरीन हो जाएंगे जिनको हमें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आपके राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एन ने ठीक आगे बढ़ेंगे बाईस फरवरी दो को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डी सी जी आई ऑन बाईस फरवरी दो हज़ार तेईस के सत्यनारायण राजू बी रामचंद्र राजीव रघुवंशी एंड अरुण कोहली तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएंगे आपके ये राजीव रघुवंशी तो सी इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे अगला आता है कि जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने जनवरी 2023 में भारत में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है जेपी मॉर्गन चेस एंड द को आ, को अपॉइंटेड हुम एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ इन द इंडिया इन द जनवरी 2023 पंकज सिंह प्रभदेव सिंह प्रथम गुप्ता एंड द राजेश बजाज चलिए पंकज सिंह प्रभदेव सिंह प्रथम गुप्ता एंड द राजेश बजाज तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा आपका ये जरा बताएं प्रभदेव आंसर हो जाएगा बेटा आपका प्रभदेव सिंह हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला आता है कि जनवरी 2023 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है रामचंद्र सिन्हा मनीष बंदलिस समल भाई बी पटेल एंड द संदीप अग्रवाल तो जनवरी 2023 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है रामचंद्र सिन्हा या मनीष बंदलिस सामल भाई बी पटेल एंड द संदीप अग्रवाल तो हो जाएंगे बेटा सामल भाई बी पटेल हो जाएंगे ठीक अगला सवाल देखिए आगे से बेटा कि 2023 में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसिडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ द स्टार स्पोर्ट्स इन द मार्च दो हजार सिंह विराट कोहली अनुष्का शर्मा एंड द निख जरीन तो मार्च दो में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है रघवीर सिंह विराट कोहली अनुष्का शर्मा एंड द निखत जरीन तो आंसर क्या हो जाएगा इसका रणवीर रणवीर सिंह हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर ठीक आगे बढ़ेंगे एक मार्च दो से भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद आई ए के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट अहमदाबाद आई एम ए विदेक्ट फ्रॉम मार्च वन दो हजार तेईस तो भारत भास्कर सिद्धार्थ शर्मा सी जॉर्ज और द विकास पुरोहित चलिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद आई एम ए के निदेशक के रूप में जिसको चुना गया है तो हो जाएंगे भास्कर जी हो जाएंगे यहाँ पर भारत भास्कर ठीक है भास्कर आगे बढ़ेंगे अगला आता है चौबीस जनवरी दो को टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी के रूप में किसे नियुक्त किया गया डॉक्टर बने प्रकाश सिंह विकास पुरोहित सिद्धार्थ शर्मा या फिर अजीत कुमार आपका क्या हो जाएंगे आपके सक्सेना चलिए स्टार स्पोर्ट रेसर पंत एंड द एच विराट वेरी गुड काजल सिद्धार्थ आंसर आ रहे हैं पर तो आंसर हो जाएगा आपका ये डॉक्टर विनय प्रकाश हो जाएंगे सिद्धार्थ नहीं होंगे डॉक्टर विनय प्रकाश तो क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ठीक है सब सब सिद्धार्थ लगा रहे हो क्यों टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में चुने गए हैं ये हमारे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला आता है कि पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद प्राप्त करने वाली पंजाब की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन हो जाएंगे जरा बताएं चलो तो पुलिस महानिदेशक डीजीपी डी का पद प्राप्त करने वाली पंजाब की पहली महिला आप अधिकारी कौन बनी है चेक कर लेना उसको एक बार प्रशांत चेक कर लूंगा आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा चलिए तो ये हो जाएगा आपका कौन सा गुरप्रीत कौर दियो एंड द शशि प्रभा द्विवेदी गुरप्रीत कौर देव एंड द शशि प्रभा द्विवेदी ठीक है आंसर क्या होगा इसका बेटा फरवरी दो हजार में कैनरा बैंक के प्रबंध महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो 2023 में केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वह कौन हो जाएंगे बी रामचंद्र के सत्यनारायण राजू अरुण कोहली और प्रशांत अग्रवाल ये सवाल भी कराया हुआ है राइट तो ये यहाँ पर के सत्यनारायण आंसर दिया आप लोगों ने अच्छा बी आंसर हो जाएगा बेटा आपका के सत्यनारायण राजू हो जाएंगे यहाँ पर जिनको केनरा बैंक के आपका मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है आगे देखेंगे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सी सी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हुज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर सी एम डी ऑफ़ द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सी सी आई मनमित के नंदा लक्ष्मण नरसिमहन अरुण अग्रवाल या फिर ललित कुमार गुप्ता तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मनमीत के नंदा लक्ष्मण नरसिमन अरुण अग्रवाल एंड द ललित कुमार गुप्ता तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा आपका ये हो जाएगा ललित कुमार गुप्ता इज द राइट आंसर सो डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा आगे बढ़ेंगे अगला आता है कि इक्कीस जनवरी दो को नागरिक विमानन महानिदेशालय डी जी सी के अगले प्रमुख के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है सो हु हैज हुजिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ द जनरल ऑफ द सिविल एविएशन डी जी सी एन द ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी दो हज़ार तेईस सीवी जॉर्ज विक्रम देव दत्त विकास पुरोहित एंड डॉक्टर विनय प्रकाश तो राइट आंसर क्या होगा जरा बताएं इनमें से चलिए टाइम हो गया क्या आपका टाइम हो चुका आई थिंक हाँ टाइम हो गया आखिरी सवाल है ये सी जॉर्ज विक्रम देव दत्त विकास पुरोहित और डॉक्टर विनय क्या हो जाएंगे आपके चलो विनय प्रकाश सिंह ठीक है दोस्त तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बड़े नोट करेंगे हो जाएगा विक्रम देव दत्त हो जाएगा ये सेकंड वन इज दी राइट आंसर ठीक है दोस्त क्लियर चलो तो इसको ये खत्म करते हैं बाकी आपके एक हो गए हैं चवालीस सवाल बचे हुए हैं और इन चवालीस सवालों को अच्छे से क्या करिएगा याद कर लीजिएगा और इसके अलावा आपकी जो मदर्स डे की सेल है कल मदर्स डे था आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी टाइम बिताया होगा अपने घर वाले माँ बाप के मम्मी मम्मी के साथ में ठीक है चलिए भाई तो इसको क्या करेंगे आप यहाँ पे ये देखिए और इसको ये जो सेल चल रही है आपकी इसका नाम है आपका मदर्स डे सेल चल रही है जहाँ पे आप लोगों को तेरह से चौदह मई के आसपास ये ऑफर था स्मार्टफोन वाला तो चला गया है बट अभी भी अभी भी यहाँ पर यू पी डब्ल्यू एस का जो कोर्स है वो आपको मात्र दो सौ में तीन महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ में मिल रहा है इसको दे इसको ले लीजिएगा और कोड लगाइएगा कोई बैच खरीदते हैं आप टेक्स्ट बुक पर कुछ भी खरीदते हैं पास के अलावा कोई बैच खरीदते हैं तो उसमें ए पी एस कोड लगा के आप थर्टी फाइव परसेंट तक का डिस्काउंट जो है पा सकते हैं और अगर पास खरीदते हैं तो ए पी एस पास कोड का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं इसके अलावा आप लोग यहाँ से ना जाकर आप लोग जो लिंक है इस लिंक पर भी जाके आप लोग क्या कर सकते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपके यूट्यूब क्लास चलती है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है लिंक आपका उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो जैसे कि अगर मैं इधर जाता हूँ तो 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 टेक्स बुक यू पी करके क्लिक करता हूँ यहाँ पर इसको क्लिक किया इसको क्लिक किया ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको लाइक किया लाइक करने के बाद नीचे आए आप यहाँ पर ठीक है फिर इधर आप आते हो तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और यहाँ पर आपका क्लिक करोगे तो आप सीधे कहाँ पहुँच जाओगे प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाओगे जहाँ पर आप ए कोड लगा के इसको क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो तो यहाँ पर ए कोड लगा हुआ है बट आप नहीं लगाओ लगा लीजिएगा राइट तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग तब तक के लिए गुड बाय टाटा टेक केयर पीडीएफ दे दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गुड बाय Ta Take care. Bye-bye.